Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for joining. Inshallah, more people will be joining. अच्छा दिस ये सेशन जो है वो उर्दू ज़बान में है उन लोगों के लिए जो उर्दू ज़बान में CSAA की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 20 सितंबर को एग्ज़ाम में अपेयर होंगे. ये CSAA का आखिरी एग्ज़ाम होगा और इस तवसुस से 5 डिजिटल इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक फाइनेंस ने डॉक्टर फजल रहीम अब्दुल रहीम को मधु किया है इस प्रोग्राम के लिए. उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला और आप लोगों के लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार करी और आपके सवालों के जवाब तैयार किए. तो डॉक्टर फजल हमारे साथ हैं इस वक्त. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ शरिया कंट्रोल, ISC सेक्रेटरी अजमान बैंक में. डॉक्टर होल्ड करते हैं PhD इकोनॉमिक्स में और मामलात फ्रॉम USIM मलेशिया से. मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड बैचलर्स इस्लामिक स्टडीज फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान. PGD इन इस्लामिक बैंकिंग इंश्योरेंस फ्रॉम IIBL लंदन. डॉक्टर खुद जो है वो CSAA ऑडिटर शरिया एडवाइज़र हैं IUFI बहरीन से, ठीक है, और तकरीबन 30 साल से ऊपर का तजर्बा रखते हैं इन मामलात में. एडवाइजरी मुख्तलिफ शरिया बोर्ड की करते हैं. ताइफ भी इनका शुक्र ममकून है कि ताइफ के शरिया एडवाइजरी बोर्ड में डॉक्टर शामिल होते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर अपना वक्त देने का और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालने का और इस कार्य खैर में हिस्सा लेने का कि हमारे साथी जो उर्दू बोलने वाले खसूसी जो हमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मदीना, मलेशिया, USA से ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त और तमाम के तमाम CSAA के एग्ज़ाम की तैयारी में मशगूल हैं. अपने सवालात की तदबीर से मुझे आगाह कर चुके हैं, वो मैंने आपको भेजे हैं. मजीद सवालात के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने सवालात को Q&A टैब में दीजिएगा. कोशिश कीजिएगा कि सवाल टैप कर दीजिए ताकि उसको वक्त में हम आंसर कर सकें. ये प्रोग्राम सिर्फ शरिया स्टैंडर्ड्स को कवर करेगा और जो इतना मुमकिन हो सकेगा आपके सवालों के जवाब देंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे. सलाम वालेकुम शेख, आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरे محترم دوستو بھائیو، हमने ये प्रोग्राम पिछले साल भी किया था، लेकिन पिछले सालों में जो है ये काफ़ी मुफस्सल प्रोग्राम था، मगर इस वक्त बदकिस्मती से वक्त की कमी की वजह से जो है हम उतना ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं، लेकिन आज के सेशन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ अहम शरी मायारात जो हैं जो शरिया स्टैंडर्ड्स हैं IUFI के उनको हम कवर कर सकें، और उसके साथ साथ जो है आप लोगों के जो सवालात होंगे उनके जवाबात भी दे सकें. कुछ सवालात मेरे पास ऑलरेडी जो है आए हैं، उनके मुझे तो उनको देखने का वक्त नहीं मिला है، लेकिन बहरहाल इतना मैंने किया है कि जो आपके जो क्वेश्चन थे उनके जो कंसर्न पार्ट्स थे उसके अंदर स्टैंडर्ड्स के अंदर उन स्टैंडर्ड्स को मैंने कॉपी करके जो है वो पे लेकर आया हूँ، ताकि जिस वक्त तो हम सवाल के जवाब दें उस वक्त वो हमारे सामने हो. तो तमहीद पे ज़्यादा वक्त नहीं बांधते हैं नहीं लेते हैं، क्योंकि वक्त हमारे पास कम है، सिर्फ 2 घंटे का टाइम है، तो शुरू करते हैं. आइए मैं आपके साथ अपना अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ. मैं चाहता हूं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको तमहीद के तौर पे जो है ना ये इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताऊं، उनके असासियात के बारे में، फंडामेंटल्स ऑफ इस्लामिक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसको हम गो थ्रू करते हैं कुछ बुनियादी चीज़ों को، ताकि जो जिस वक्त हम स्टैंडर्ड को
की तशरीह करें, उस वक्त जो है वो बुनियादी चीज़ें जो है हमारे सामने हों। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अलाक़दो हुआ इतफाक़ुन बैन तरफ़ैन या अक्सर लितनफीज़ मुआमलतिन महल इतफाक़। अक्त इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू एग्जीक्यूट एंड एग्रीड अपॉन ट्रांजेक्शन, यानी दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान में जो है ना किसी मुत्तफ़क़ अलैह बात को वो आगे बढ़ाने में, उस काम को करने के लिए जो इत्तेफाक किया जाता है उसको अक़द कहते हैं। और इसके जो है कुरान मजीद से और जो है अहादीस से जो है इसकी रूलिंग साबित है, इसके हुक्म साबित है। तो अब ज़्यादा वक्त मैं इस पर नहीं लूंगा, हम आगे जाते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑब्लिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म जो है उसको बायलेटरल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं या बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ से जो है कमिटमेंट होती है। और इसकी मिसाल जो है वो हमारे तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जैसे इजारा कॉन्ट्रैक्ट है, मुशारका है, मुदारबा है, रहन है, और भी मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और दूसरी किस्म वो होती है जिसमें एक जानिब से जो है वो कमिटमेंट होती है, दूसरी जानिब से कमिटमेंट नहीं होती, या एक जानिब से कमिटमेंट का इल्तिजाम होता है, दूसरी जानिब से कमिटमेंट का इल्तिजाम नहीं होता। इसको वाद कहते हैं या उसको प्रॉमिस कहते हैं या उसको अंडरटेकिंग कहते हैं। तो इसकी किस्में जो है जैसे परचेस अंडरटेकिंग है, सेल अंडरटेकिंग है, प्रॉमिस टू लीज है, प्रॉमिस टू परचेज है, करेंसीज में वाद है, इस किस्म के जो जो वादे होते हैं उनको वो यूनिलेटरल कमिटमेंट्स होती हैं। अच्छा, हमें पता है कि अकद जो है या कॉन्ट्रैक्ट जो है या एग्रीमेंट जो है उसके क्या क्या वो पिलर्स होते हैं, उसके क्या क्या अरकान होते हैं। तो बुनियादी रुकन जो है वो मुताकिदीन है और उनके दरमियान में इजाब और कबूल है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर मुताकिदीन नहीं है और उनके दरमियान में अगर मुताकिदीन हैं भी तो उनके दरमियान में प्रॉपर इजाब और कबूल नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट मैटर है उस कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको असल भी कहते हैं, या उसका उसके मनफात भी, असल या मनफात यानी एसेट या गुड्स या जो भी चीज़ है, या उनके यूज़ ऑफ़ रक्त इजारा वगैरह की सूरत में। तो तीसरी जो जो इसका पिलर है, जो रुकन है, वो समन है या प्राइस है, और चौथा जो है वो डिलीवरी है या पोजिशन है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कमर्शियल के कॉन्ट्रैक्ट्स की परमिसिबिलिटी जो है वो उसकी पर्सपेक्टिव से कॉन्ट्रैक्ट्स की किस्में ये मदरज जेन है। जैसे नंबर एक इसको कहते हैं अल अक्द असहीह, जो इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसके तमाम अरकान और तमाम शरायत जो है, तमाम कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस प्लस पिलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने ऊपर बयान की वो वैलिड हो, उसमें कोई जो है ना खराबी ना हो, तो उसको आकद सही है कहते हैं। फिर उसके बाद होता है आकद बातिल, जिसके किसी भी जो है रुकन में जो है खलल हो वो आकद बातिल हो जाता है। उसके बाद आता है आकद फासिद, ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अरकान तो सही होते हैं लेकिन उनके शरायत में जो है कहीं पे खलल होता है। अगर उसको उनके शरायत को जो है उन खलल शुदा शरायत को जो है वो दुरुस्त न किया जाए तो ये अकद जो है बातिल में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर उनके वो उस खलल को दूर कर दिया जाए तो वो अकद सही को बन सकता है। इसके अलावा एक और भी होते हैं जिसको अक़द मकरूह कहते हैं, अलाक़द अल मकरूह, डिसलाइक्ड कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि आमतौर पे बैंकों में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती तो हम उसको जिक्र नहीं करते। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि आप जुमे के दिन जो है, जुमे की नमाज के वक्त जो है आप कोई कारोबारी सरगर्मी कर रहे हैं, तो अक़द जो कारोबारी सरगर्मी आप कर रहे होंगे वो अक़द मकरूह कहलाएगा, वो अमल जो है मकरूह होगा। उसके बाद जो है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस में इसके कौन कौन से जो है किस्में हैं। हाँ, सबसे पहले जो है जो उकूत हैं, जिसको उकूत अल मुआवदात अल मालिया कहते हैं, फाइनेंशियल कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरी किस्म जो है
वो है उकूद अल मुशारकात या पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इसको कहते हैं। तीसरी किस्म जो है वो आपकी होती है वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट्स या उकूद तबर्रुआत, और चौथी किस्म जो है होती है उसको उकूद ताबिया या सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके आगे जो है अब हम सेल की तरफ आते हैं कि सेल जो है शरीयत में क्या होती है, क्योंकि सारी चीजें जितनी भी स्टैंडर्ड्स हैं जितना कुछ है वो उसका मेजोरिटी पोर्शन जो है वो सेल से मुतालिक है, तो सेल के असासियात जानने भी बहुत जरूरी है। सेल क्या है, सेल की तारीफ जो है ये जैसे हमारी फिकी किताबों में लिखा हुआ, आप लोगों में जो मदारिस से ताल्लुक रखते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा, शरह वकाया वगैरह में जो है, हिदाया वगैरह में जो है ये तारीफ बड़ी कसरत से मिलती है, और वो है कि मुबादलतु मालिन बिमालिन बितरादी, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ किसी भी कीमती चीज को दूसरी कीमती चीज के साथ उसका तबादला किया जाए तो उसको सेल कहते हैं। और सेल जो है किसी भी गुड्स को जो है उसके मनफात को या उसके जो जो गुड्स हैं उसके असल को उसको कीमत के जरिए से अगर एक्सचेंज किया जाए तो उसको भी सेल कहते हैं। अल्लाह सुबहान ताला ने बड़ी वाजह तौर पर कुरान मजीद में फरमाया है कि वहल्लल्लाहुल बैया व हर्रम अर्रिबा। तो आगे जाते हैं इसकी जो है अब द पॉइंट जो है हम देखते हैं कि बय के कौन से अरकान है, यानी उसके कॉन्ट्रैक्ट के कौन से अरकान है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर है, और तीसरा जो है प्राइस है, और चौथा जो है पोजीशन है। आते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले उसमें मुताकिदीन है, और मुताकिदीन के लिए जरूरी है कि वो आकिल हों और बालिग हों, यानी आप किसी जो है किसी मेंटली डिस्कार्डेड पर्सन के साथ, किसी पागल आदमी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो सेल वैलिड सेल नहीं होगा, और ना ही आप किसी मासूम बच्चे के साथ जो है ना कोई कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जहनी तौर पे जो है ना इस काबिल ही नहीं होता कि उसके साथ जो है ना कांटेक्ट किया जाए। दूसरी चीज जो है वो इजाब और कबूल है, और इसकी दो किस्में हैं, एक को ओरल कहते हैं यानी कौली होते हैं, और दूसरा जो है इम्प्लाइड होता है, इशारा होता है। आगे फिर ओरल जो है वो डॉक्यूमेंटेड भी होता है और वर्बल भी होता है, ठीक है, यानी मकतूब लिखा हुआ जो है या शफही जो है जुबानी तौर पे जो है वो बोला गया जो, और इशारे इशारातन जो होता है उसमें आमतौर पे जो क्रेडिट सेल होता है, इस्तिजरार या कैश सेल जो होता है ताती, ये दोनों दोनों इस्तिजरार की किस्म ऐसी है कि जैसे कि आदमी पूरा महीना जो है कहीं से कोई चीजें लेता है और महीने के आखिर में जो है वो पूरे के पूरे पैसे एक साथ दे देता है, तो उसमें बाज़ औक़ात अकद होता है बाज़ औक़ात अकद नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट पे लिए गया सामान होता है और आखिर में पेमेंट होती है। और ताती वो है कि जो आप जो है कोई चीज उठाते हैं दुकान से और उसी वक्त जो है ना उसकी कीमत अदा करते हैं, तो ये ताती है। और तीसरी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट सिलसिले में है वो है उसके शुरूत या शरायत या आकद जो है, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहली जो है शर्त यह है कि सेल मस्ट बी नॉन कंटिंजेंट, यानी सेल गैर मशरूत होनी चाहिए, वह सेल जो है फरोख जो है वो गैर मशरूत होनी चाहिए। सबसे पहली चीज उसके अंदर इसमें फिर तीन हालतें हैं। पहली हालत यह है कि वो गैर मुअल्लक बिशर्त होना चाहिए। गैर मुअल्लक बिशर्त ये है कि अगर जैसे कि आदमी को कहा जाए कि मैं आपको ये चीज फरोख्त करूंगा अगर आप मुझे अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे को बैंक में जॉब पे लगवा देंगे, तो एक मुअल्लक शर्त है, ये इस तरीके से जायज नहीं है। बाज अवकात जो है वो जो रीजनेबल कंडीशंस हैं वो तो हर सूरत में फिर जायज हैं, लेकिन जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं, खयारात हैं, जिसमें खयार लुगुबन है, खयार लाइब है, बहुत सारे हैं, आगे जाके हम उसको एक स्लाइड है हम बयान कर देंगे। और तीसरा जो है वो कंडीशन जो है वो तो रीजनेबल नहीं होती, लेकिन उर्फ आम में जो है वो उर्फ के तौर पे वो चल रही होती है, और वो चीज जो है शरीयत के खिलाफ भी नहीं होती, तो उसको भी जो है उन कंडीशंस को भी काबिले कबूल बनाया जा सकता है। जैसे कि आदमी कोई चीज खरीदता है लेकिन उसके साथ ये कंडीशन लगाता है कि इसकी डिलीवरी आपने मुझे घर में देनी है, तो डिलीवरी जो है वो एक अलहदा चीज है, और जो एसेट आपने खरीदा है, गुड्स आपने खरीदे वो एक अलहदा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
उसके लिए किया था, सेल के लिए किया था, परचेज के लिए किया था, न कि डिलीवरी के लिए किया था। लेकिन चूंकि मार्केट में ये मुतारिफ है, वो चीज़ आपके घर तक पहुंचाई जाती है, तो वो ये कंडीशन लगाना दुरुस्त है। और दूसरी चीज़ है कि सेल मस्ट बी इमिडिएट, यानी कि ये जो मजलिस से लाकत होता है उसी के अंदर जो है वो सेल कंक्लूड हो जानी चाहिए। सेल के कंक्लूजन का मतलब ये है कि तमाम अरकान उसके पूरे हों, और जो एसेट की प्राइस है, और जो एसेट की जो जो गुड्स की जो प्राइस है और गुड्स हैं उनका आपस में तबादला हो, या कम से कम अगर तबादला नहीं होता तो उसकी कीमत जो है वो मुतय्यन हो जाए, फिक्स हो जाए, लॉक हो जाए, और उसके बाद जो है उसको बतौर देन जो है वो कस्टमर उसको उसको पे करे। तो ये जो है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तफसील है। इसके बाद जो है हमारे पास आता है जो सब्जेक्ट मैटर है, मबीए है, उसके अंदर क्या औसाफ होनी चाहिए। मबीए जो है या सब्जेक्ट मैटर जो है वो कीमत वाला होने चाहिए, वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए। वो ये जो है गैर गैर कीमत बगैर कीमत वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कुछ यानी कोई फजूल चीज नहीं होनी चाहिए, और वो चीज मौजूद होनी चाहिए। और वो उसमें जो है जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसके पास उसका टाइटल भी हो और उसका रिस्क भी हो, और वो मुआयन भी होनी चाहिए और मालूम भी होनी चाहिए। मुआयन और मालूम जो है वो, यानी कि जैसे आप कह रहे हो कि चावल है, तो अब वो चावल जो है वो किस नौइयत के चावल है, ठीक है, वो बासमती है, वो सिला है, वो कौन से हैं, वो मालूम होने चाहिए। और उसके बाद जो है वो इस काबिल होने चाहिए कि उसको डिलीवर किया जा सके और उसका कब्जा दिया जा सके। और उसके बाद जो है वो उसका उसका टाइटल जो है और उसकी ओनरशिप जो है वो इस काबिल हो कि उसको ट्रांसफर किया जा सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो काबिल इस्तेमाल भी हो, यानी ये नहीं है कि वो कहीं और पे मॉर्गेज है और वो जो है उसकी आपके हाथ ही नहीं आती और आपने जो है आपने वो चीज बेच दी, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल। अच्छा, जो चौथी तीसरी चीज है वो है समन, ठीक है, या प्राइस जो उसकी कीमत है, तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और क्वांटिफाइड होनी चाहिए। यानी कि अगर उस चीज की जो है ना 5,000 कीमत मुतय्यन हुई है, तो वो मालूम होने चाहिए कि वो किस करेंसी में है, $5,000 में है, $5,000 दिरहम में है, $5,000 रियाल में है, किस करेंसी में है, या रुपया में है। और उसके बाद जो है कब्त, या जिसको कब्जा जिसको कहते हैं, या डिलीवरी जिसको कहते हैं, पोजीशन जिसको कहते हैं, वो हकीकी भी हो सकता है और हतमी भी हो सकता है। हकीकी ऐसे कि जैसे कि उसको यदन बियद हो, यानी एक हाथ से निकले और दूसरे हाथ में जाए, तो ये हकीकी है या फिजिकल है। कंस्ट्रक्टिव वो है कि जैसे कि आपने मुझे पैसे देने हैं, लेकिन मुझे मेरे हाथ में देने के बजाय आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव पोजिशन है, ठीक है। उसके बाद जो है खयारात हैं, जो ऑप्शंस जो मैंने अभी आपसे बात की थी, ये सारे खयारात जो हैं ये आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लगा सकते हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट में लगा सकते हैं, जिसमें सारे फहरिस्त खयार शर्त है ये है, यानी कि ये खयार या ये ऑप्शन के उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड जो है रिसेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, उसको फसख किया जा सकता है, ये खयार शर्त, इसको खयार शर्त कहते हैं। फिर खयार अलाइब है कि उसमें कहा जाए कि इसकी तमाम डिफेक्ट की जिम्मेदारी आप लेते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। आमतौर पे जो बैंक करते हैं वो खयार अलाइब को बयान बयान करते हैं कि हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, जो पिछला मालिक था उसने जैसे दिए वैसे हमने आपको सेल किया है। अगर आप जो है उस ये कंडीशन नहीं लगाते हैं, तो कस्टमर को ये हक हासिल होता है कि वो आपके पास आए और वो चीज आपको रिटर्न करें। फिर खयार अलवस्फ होता है, जिसको ऑप्शन ऑफ क्वालिटी जो है, आपने किसी चीज की जो है ना तौसीफ बयान की है कि बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत अच्छी चीज है, और वो बाद में उसके मुखालिफ निकलती है, उस क्वालिटी के मुखालिफ निकलती है, तो ये भी जो है ये इससे भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। अच्छा, खयार अर्रोया, कि आपने उसके कहा है कि मैं इसको देखूंगा फिर उसके बाद खरीदूंगा,
किसी वेयर हाउस में है, किसी स्टोर में है, ठीक है। आपने कहा कि उसको पहले मैं देखूंगा और उसके बाद जो है ना मैं उसको परचेज करूँ, तो ये भी जो है एक वैलिड ख्याल है, एक वैलिड ऑप्शन है, और ये आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिल्ट इन होता है पहले से। और आखिरी ख्यार जो है जिसको ख्यार अलगोबन कहते हैं, ये ऑप्शन के जो 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 ख्यार है, जो कीमत से रिलेटेड जो ऑप्शन है, जो ख्यार है, वो उसको ख्यार अलगोबन कहते हैं। यानी मसलन आप एक चीज बेचते हो और कहते हो कि इसके $20 जो है उसकी कीमत है, और यही मार्केट मार्केट कीमत है, और सब जगह पे जो है ना उसको इसी कीमत पे बेचते हैं, कस्टमर को आप राजी कर लेते हैं, वो खरीद लेता है। बाद में उसको पता चलता है कि ये तो $20 की चीज नहीं, ये तो $5 की चीज है, $3 की। इसमें वोबन जो है यसीर भी होता है और वोबन फाहिश भी होता है। वोबन यसीर जो है वो ये है कि उसने 18 का बेचा है, उसने जो है ना 6 का बेचा है या 7 का बेचा है, तो ये मुख्तफर है, इसको काबिले माफी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फर्क है, तो अगर आपने ख्याल गोबन उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला हुआ है, तो ऐसी सूरत में कस्टमर आपके पास वापस आ सकता है और वो चीज आपको वापस कर सकता है क्या। और उसके बाद जो है ना आखिरी चीज जो है तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक टर्म होता है जिसको इकाला कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में वाकई हो सकती है खुद कार तरीके से, और कुछ में जो है वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगी। आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, तो उसमें वो वाजे हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोडक्ट्स की तरफ जो है। तो जैसे कि हमने पहले कहा कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं उसके उकूत के, कॉन्ट्रैक्ट्स के। इसमें पहली पहली जो टाइप है उसको उकूत अलमाउदात अलमालिया कहते हैं, या उकूत अलमा इस्लामिक कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स उसको कहते हैं। इसकी मिसालें जो है वो तमाम किस्म के तमाम अनवा के जो बुयो हैं, जो सेल्स हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। और दूसरी किस्म इसके अंदर जितने भी किस्म की इजारे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा एक और किस्म भी होती है जिसको ज्वाला कहते हैं, लेकिन चूंकि वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, वो हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया उसको। फिर उकूद अलमुशारकात होते हैं, जिसके अंदर जो जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे होते हैं, जो कि मुशारका बेस पे होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें मुदारबा है, मुशारका है, मुजारा है, मुगारसा है, और मुसाका है। मुदारबा जो है वो आगे जाके हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, अलहदा से स्टैंडर्ड भी है इसका, जो जिसमें कैपिटल प्रोवाइडर और फंड मैनेजर जो है आपस में एक शराकत दारी करते हैं, और प्रॉफिट जो है उसमें दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मुशारका जो है उसमें ये जो है ये पार्टिसिपेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर दोनों पार्टीज जो है वो दो या दो से ज्यादा जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो शरीक होते हैं बाकायदा जो है इन्वेस्टमेंट के साथ। मुजारा जो है ये एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट है। मुगारसा जो है ये प्लांटेशन कॉन्ट्रैक्ट है, और मुसाका जो है ये इरिगेशन कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो होता है वो उसको कहते हैं उकूद तबर्रात या वॉलंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंदर कर्द होता है, कर्द हसन होता है, इसके अंदर वसीयत होती है, इसके अंदर वक्फ होता है, उसके अंदर इआरा होता है, इसके अंदर हिबा होता है। और चौथी किस्म जो है वो उकूद ताबिया है, जिसको जो जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगे होते हैं, तो उसके तौसीक के लिए लगे होते हैं या उसके किसी एक्शन के लिए लगे होते हैं। इसमें सरे फहरिस्त जो है वो रहन है, मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट है, और वकाला कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको जिसको एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कफाला कॉन्ट्रैक्ट जिसको गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, हवाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसको ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, अब सेल्स की जो है ना कौन कौन सी किस्में हैं ये भी थोड़े से हम उसको जिक्र कर देते हैं, ताकि जो है बाद में आसानी हो हमारे लिए। इसमें बाय और सर्फ, जो कि गोल्ड या सिल्वर या करेंसीज का जो ट्रेड होता है, जो एफएक्स ट्रांजेक्शन होते हैं उसको, वो बाय सर्फ के अंदर आते हैं। और फिर बाय अल मुकायदा है, जिसमें एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स बाय डिफरेंट गुड्स होता है। ये दुनिया में जो है ना ये
सिलसिला चलता है, बार्टर सिस्टम की तरह होता है, लेकिन शरिया वाइज इसके अंदर सिर्फ ये चीज होती है कि एक जैसे चीजें जो है वो आपस में इसका तबादला मुमकिन नहीं है, मुख्तलिफ उसमें मिकदारों में। फिर बाय असलम होता है जिसमें प्राइस जो है वो स्पॉट होता है, डिलीवरी उसमें डिफर होती है, मेनली कमोडिटी वगैरह के अंदर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद बाय इस्तिस्ना होता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, जिसमें किसी चीज को बनाने का, जैसे किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने का, किसी चीज को की तैयारी का, मैन्युफैक्चरिंग का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सेल होता है। तो उसके बाद बाय अल मुसावमा है, ये एक बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें कॉस्ट जो है वो बेचने वाले को बताना जरूरी नहीं होता, और ये भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, मुरावहा की तरह होता है, लेकिन कॉस्ट कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं होती इसमें। फिर आखिरी किस्म जो है वो बाय अल अमाना की है, जिसको जो है हम कहते हैं उर्फ आम में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विद डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये वो किस्म के सेल होते हैं कि जिसमें हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो कस्टमर को बताना होता है। इसकी जो है फर्दर पे तीन किस्में हैं, ठीक है। एक को कहते हैं मुरावहा, जब हम कॉस्ट से ऊपर बेचते हैं यानी उसमें रिबह कमाते हैं, तो फिर ये मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुराबहा से होता है। वही तौलिया होता है जिसमें हम कॉस्ट के बराबर जो है ना बेच रहे होते हैं, यानी कि ना हम कमा रहे होते हैं ना हम नुकसान कर रहे होते हैं, जितने का हमने खरीदा होता है हम उतने का ही कस्टमर को बेचते हैं और कस्टमर को बताते हैं कि मैंने इतने का खरीदा था, मैं आपको इतने का बेच रहा हूँ। और तीसरी किस्म होती है बाय अल हतीता या बाय अल वदीआ, के इसमें वो किस्म है जिसमें हम अपने कॉस्ट से भी नीचे बेचते हैं, तो कस्टमर को बताते हैं मैंने 5 दिरहम का खरीदा था, मैं आपको इसको 4 दिरहम को बेच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मुरावहा के क्या क्या जो एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास कार मुरावहा होता है, हमारे पास जो है गुड्स मुरावहा होता है, हमारे पास जो है कमोडिटी मुरावहा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इजारा के जो है ना कौन कौन सी एप्लीकेशन होते हैं, हमारे पास जो है रेडी एसेट का जो है वो इजारा होता है, और फिर उसके बाद हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन इजारा होता है, इजारा मौसूफ फी जिम्मा जो है। उसके बाद जो है ना हमारे पास ऑपरेशनल लीज भी जो है एक प्रोडक्ट होता है, इजारा तशगीलिया जिसको कहते हैं, और सर्विसेज इजारा भी इस्लामी बैंकों में जो है ना आमतौर पर होता है, ठीक है। हम आगे जो है फिर इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमारे पास मेनली जो है ज्यादा मुदारबा होता है और वकाला होता है, तो ये हम जाके फिर मुदारबा और वकाला उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, इसमें बाज कार्ड जो है वो लोन बेस्ड होते हैं, कर्ज बेस्ड होते हैं, ठीक है, और बाज जो कार्ड जो होते हैं वो कवर्ड कार्ड होते हैं, उसमें एक फॉर एग्जांपल मुराबहा दिया जाता है, फिर उस अमाउंट को जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया जाता है और कस्टमर अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से पैसे विड्रॉ करता रहता है या इसको इस्तेमाल करता है अशिया के फरोख्त खरीद के लिए, और जितने तकरीबन दोनों तरफ का जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का और मुराबहा अकाउंट का ऑलमोस्ट जो है रेट जो है बराबर होता है, तो अगर कस्टमर नहीं इस्तेमाल करता तो उसके ऊपर कोई जो है, क्योंकि उतना ही जो है वो रिबह इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कमाया जाता है और दूसरी तरफ उतना ही जो ना रिबह जो है वो अपने मुराबहा फाइनेंसिंग अकाउंट में वो पे करता है, तो आपस में वो सेट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अगर कस्टमर अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से कुछ फंड इस्तेमाल कर लेता है तो फिर उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना कम रिबह आएगा, वो मुकाबला जो है उसके मुराबहे के ऊपर जो उसको चार्ज हो रहा था, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। चूंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता हूँ, मैं माजरा चाहता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा जो है तफसील में अगर हम जाएंगे तो हम फिर आगे जाके आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो है बड़ी मुश्किल से होगा इसमें। अच्छा, अयूफी के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हम आज के उस सेशन में जो है ना कोशिश करेंगे कवर करने के लिए, मुराबहा है, फिर मुराबहा से रिलेटेड जो है ये दो स्टैंडर्ड और हैं जिसको प्रोक्रास्टिनेटिंग डेप्टर कहते हैं, स्टैंडर्ड 3 ये टाल मटोल करने वाला जो जो कस्टमर होता है उसको उसके क्या अहकाम है उसमें पढ़ेंगे। फिर
एक स्टैंडर्ड है जिसको बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का जो स्टैंडर्ड है जिसको तवर्रुक कहते हैं, मोनेटाइजेशन स्टैंडर्ड। फिर हम इजारा को थोड़ा सा टच करेंगे और फिर उसके बाद हम मुदारबा और जो है यानी स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 40 हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। मुदारबा स्टैंडर्ड 8 है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड 40 है। फिर हम वकाला को देखेंगे और वकाला के साथ हम स्टैंडर्ड 46 जो कि वकाला इन्वेस्टमेंट है, मेनली हमारा फोकस वकाला इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा, ये हम पढ़ेंगे। और आखिर में हम जमानत के यानी गारंटियों के वो हिस्से कवर करेंगे जो कि हमारे मॉडर्न उसके साथ जो ट्रांजेक्शन है उसके साथ उसका ताल्लुक है। आते हैं पहले, सबसे पहले आते हैं मुराबहा की तरफ। मुराबहा का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस फ्लो है और सबको मालूम है, आप लोगों को ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं होती है कि कस्टमर अपनी रगबत का जो है इजहार करता है, बैंक में आता है, फॉर एग्जाम्पल कहता है कि मैंने गाड़ी खरीदनी है, फिर उसका क्रेडिट रिव्यू होता है और उसकी जो है क्रेडिट रिव्यू की बुनियाद पे अप्रूवल मिल जाता है, उसकी बुनियाद पर फिर आगे जाके ट्रांजेक्शन शुरू हो जाता है। और सबसे पहला मरहला जो है ये होता है कि हाँ, बैंक जो है कस्टमर से एक वादा ले लेता है और वो एक यूनिलेटरल वादा होता है कस्टमर की तरफ से कि मैं जो है जब आप इस गाड़ी को परचेज कर लेंगे तो मैं आपसे गाड़ी जो है खरीदूंगा। उसके बाद जो है इस कस्टमर के सिर्फ वादे पे ही बैंक इत्मीनान नहीं होता बैंक को, उससे जो है एक चीज होती है जिसको हामिश जिद्दिया कहते हैं या सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, वो उसे वसूल करता है। और वो उसके भी बहुत सारे जो है ना वो तरीके हैं कि वो उसको लेके जो है आप जो है उसको करंट अकाउंट में डालते हैं, आप लेके उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालते हैं, कमीशन जिद्दी है सिक्योरिटी डिपॉजिट को, और आपके पास वो अमाउंट सिर्फ अमानत के तौर पे पड़ी हुई है। फिर उसके बाद जो है जो इस्लामी बैंक होता है, इस्लामी मालियाती इदारा होता है, वो उठता है और जो कस्टमर ने जो कोटेशन लाया होता है उसके बुनियाद पे एक बाकायदा जो है एग्रीमेंट करता है उस वेंडर के साथ जिससे जिसके पास वो गाड़ी मौजूद है, और उसको खरीदता है, उसको कब्जे में लेता है और जो है उसकी ओनरशिप जो है वो उसके पास चली जाती है। इसकी मुख्तलिफ जो है वो तरीके हैं कि ओनरशिप जो है रजिस्ट्रेशन जो है उसके सिलसिले में जरूरी नहीं है, लेकिन ओनरशिप और पोजीशन बैंक के पास जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है जब पोजीशन हो जाती है व्हीकल की, तो उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पे जो है आके अगर कस्टमर कहता है कि मैंने जो है आपसे गाड़ी नहीं खरीदनी है, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने उससे लिया होता है उसके से आपने जितना भी आपको नुकसान हो चुका होता है उस ट्रांजेक्शन में, उस गाड़ी को वापस करने में, उस जो गुड्स आपने लिए हैं उसको वापस करने में, तो उस नुकसान की आप तलाफी उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से करते हैं। और अगर आपकी कोई नुकसान आपका नहीं होता तो पैसे एज इट इज जो है आप कस्टमर को वापस कर देते हैं। उसके बाद जो है जब आपने गाड़ी खरीद ली, आपने उसका कब्जा भी हासिल कर लिया, आपकी उसकी ओनरशिप भी आपकी हो गई, ठीक है, तो ऐसे उसके बाद जो है आपने उस गाड़ी को कस्टमर को भेजना है, और कस्टमर को भी क्यों कोई इनकार नहीं है कि वो उस गाड़ी को जो है ना वो आपसे नहीं लेता। तो उसके बाद से कस्टमर और बैंक के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको मुराबहा एग्रीमेंट कहते हैं, और एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके जरिए से बैंक उस गाड़ी को कस्टमर को भेज देता है, ठीक है। अच्छा, मुराबहा के कोलेटरल्स जो है वो लेना जायज है, और यहाँ पे वो मुख्तलिफ किस्म के कोलेटरल वो ले सकता है, इंस्टीट्यूशन जो है उसमें कैश कोलेटरल भी हो सकता है, कोई भी टेंजिबल एसेट हो सकता है। ये सारी चीजें हम आगे जो स्टैंडर्ड की जो जो तफसील है तशरीह है उसमें हम पढ़ेंगे। और आगे जो है जब अगर वो डेफर्ड सेल होता है, स्पॉट मुराबहा नहीं होता, डेफर्ड मुराबहा होता है, तो मुराबहा का एक डेट क्रिएट हो जाता है और उस डेट को जो है कस्टमर जो है इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। इंस्टॉलमेंट्स भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, बुलेट पेमेंट हो सकती है, कोई भी तरीके का उसके लिए हो सकती है। तो चलिए अब आते हैं हम उसमें जो जो मराहिल हैं कस्टमर की इंटेंशन से शुरू होके मुराबहा डेट के ऊपर खत्म होते हुए जितने मराहिल हैं, हर मराहिल के क्या क्या अहकाम हैं उसका हम मुशाहदा करते हैं, मुताला करते हैं।
सबसे पहली बात यह कि इस बात को ये बात जायज है कि जो है कस्टमर जो है जिस जगह की डिमांड करे वहां से खरीदा जाए। यानी कस्टमर अगर कहे कि मैं जो है सुजुकी से गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं आप ट्वेटर से गाड़ी लो, ठीक है, ये उसकी मर्जी है कि वो कहाँ से, वो तो वेंडर का इंतखाब जो है वो कस्टमर करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि बैंक को उस वक्त तक नहीं खरीदना चाहिए जब तक कस्टमर की डिजायर ना हो, जब तक कस्टमर की रगबत ना हो, क्योंकि एट द एंड आप एक मालियाती इदारा चला रहे हैं, आप कोई रियल एस्टेट कंपनी नहीं चला रहे हैं, आप कोई जो है कमोडिटी स्टोर करने वाला कोई इदारा नहीं चला रहे हैं, आप कोई जो है गाड़ियों का शोरूम आपने कोई नहीं खुला हो, आप वो काम करते हैं जो कस्टमर की जरूरत होता है। तो कस्टमर की रगबत के बाद ही, उसकी रगबत के इजहार के बाद ही जो है आप वो चीज खरीदते हैं, फिर उसके बाद उसका मुरावहा करते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान में रखें कि कस्टमर की सिर्फ रगबत जो है कि वो आपके पास आया और उसने सिर्फ एप्लीकेशन साइन किया, तो ये जो है उसकी तरफ से वादा तसव्वुर नहीं होगा जब तक वो खुद ही यूनिलैटरल कमिटमेंट, यूनिलैटरल प्रॉमिस आपको ना दे, ठीक है। अच्छा, अगर कस्टमर का कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है उसके उस चीज के ओनर के साथ जो है, उस चीज के मालिक के साथ जो है, तो वो उसको वक्त मुनाबहा नहीं हो सकता। जो जिस शख्स से से जिस जो शख्स मालिक है उसके साथ उसके मिल्कियत में जो चीज है उसका मुराबहा नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसी से खरीदेंगे, उसी को बेचेंगे, तो ये बेइना तसव्वुर हो। अच्छा, यहां तक एहतियात जरूरी है कि अगर वो बंदा किसी उस कंपनी में जो है, जो आपका कस्टमर है वो उस कंपनी में पार्टनर है, जो कंपनी आपको वो चीज बेच रही है, सब्जेक्ट मैटर बेच रही है, और उस कंपनी में वो आदमी 50% या उससे ज्यादा का जो है ओनर है, मालिक है, पार्टनर है, उसके पार्टनरशिप 50% या उससे ज्यादा की है, तो भी आप उसके साथ मुराबहा नहीं करें। अच्छा, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है, मियाँ बीवी एक दूसरे से चीज उनके दरमियान में मामला हो सकता, बैंक उनके साथ मामला कर सकता है, यानी कि बीवी के पास एक गाड़ी है उसकी मिल्कियत में है, मियाँ उस गाड़ी को खरीदना चाहता है, या इस तरीके से वालिद के पास एक गाड़ी है बेटा उससे खरीदना चाहता है, या भाई के पास या बहन के पास है और जो है बेटा या भाई जो है उसे खरीदना चाहता है, तो ऐसे मामले को बैंक एंटरटेन कर सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ ये चीज देखनी होगी कि वो कोई हीला तो नहीं कर रहे हैं, कोई जो है वो पैसे हासिल करने, कैश नकद रकम हासिल करने के लिए जो है वो ऐसा मामला तो नहीं कर रहे हैं। और ये जो है ये ऐसा मामला, अब पुराने जमाने में जब कमोडिटी मुराबहा या लिक्विडिटी जनरेशन के कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे तो उस जमाने में लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन आज के जमाने में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस के नाम से जो है एक अलहदा प्रोडक्ट या सलम की बुनियाद पे या कमोडिटी मुराबहा की बुनियाद पे मौजूद है, तो ऐसा करने की चिंता जरूरत नहीं है। और करेंसी और जो है सिल्वर या गोल्ड में मुराबहा, डेफर्ड मुराबहा नहीं हो सकता, स्पॉट मुराबहा हो सकता है, लेकिन डेफर्ड मुराबहा नहीं हो सकता करेंसी में, तो यानी वो फिर स्पॉट सेल हो जाएगा, मुराबहा जो है वो करेंसी में, सिल्वर में, गोल्ड में नहीं हो सकता। और सुकूक की जो ट्रेडिंग है, मुराबहा सुकूक की ट्रेडिंग जो है वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुराबहा जब एक मरतबा बुक हो गया, सुकूक जब एक मरतबा बन गए, तो फिर वो उसका जो अंडरलाइन वो है, वो एसेट जो है वो क्या कहते हैं उसे, वो देन है, डेट है। अच्छा, उसके बाद जो है प्रॉमिस जो है वो यूनिलेटरल होना चाहिए, बायलेटरल नहीं होना चाहिए, और प्रॉमिस टू परचेज में जो है ना अमेंडमेंट मुमकिन है अगर म्यूचुअल कंसेंट से हो, मुराबहा के एग्जीक्यूशन से पहले। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें जो है फीस के बारे में भी हैं कि कमिटमेंट फीस ये जो है यूफी का स्टैंडर्ड कहता है कि आप नहीं ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी फीस जो है ये भी नहीं ले सकते हैं आप,
सिंडिकेशन अरेंजमेंट की फी, अगर कोई एक बैंक जो है, बहुत सारे बैंक जो है सिंडिकेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, पर एक उसमें अरेंजर होता है, अरेंजर जो फीस लेता है वो परमिटेड है, अलाउड है। फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो आप ले सकते हैं, फी आप ले सकते हैं उसकी, लेकिन उस वो आपके प्रोजेक्ट के अलावा भी जो है वो कस्टमर की फिजिबिलिटी स्टडी होगी, यानी कि अगर उसको फिजिबिलिटी स्टडी किसी और मकसद के लिए चाहिए, किसी और जगह के लिए चाहिए, तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। जो उसकी आप चाहे उसको फैसिलिटी दें या ना दें, वो जो है फिजिबिलिटी स्टडी उसकी है। डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन फी जो है अदिलाना तौर पे हो तो ये भी जायज़ है। ऐसा नहीं कि आपने जो जो फीसें ली, कमिटमेंट फीस नहीं ले सकते, क्रेडिट फीस नहीं ले सकते, दूसरी चीज़ों में फीस नहीं ले सकते, वो सारे के सारे आप डॉक्यूमेंटेशन में डाल दें, तो जो अदिलाना फीस है, फेयर फीस है, वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा जिद्दी है जो है, ये डेफिनेटली आप ले सकते हैं, आपका हक है, लेकिन ये अरबों तसव्वुर नहीं होगा, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। जैसे कि हमने ऊपर कहा कि आप ये पैसे जो है ये आप उसके करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में या किसी ऐसे अकाउंट में जिसमें उस कस्टमर को फायदा हो, आप उसमें रख सकते हैं, कस्टमर उसका मुतालबा भी कर सकता है। अरबून भी जिस वक्त आप मुराबहा कर रहे होते हैं, क्योंकि अरबून जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, और हामिशुल जिद्दिया जिस वक्त दिया जाता है वो उस वक्त जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता, कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त होता है जब आप तमलीक के मरहले से गुजरते हैं, आप उसको उस चीज को जो है खरीदते हैं, उसके बाद जो है जब आप उसको बेचने का टाइम आता है तो मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप अरबून ले सकते हैं। अच्छा, जो जो चीज आपने मुराबहा अगर आपने एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए जैसे हमने कहा कि तमलीक जरूरी है, कि पहले जो है आप उस चीज को खरीदेंगे, ऑन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जो है ना आप उस चीज को बेचेंगे। अगर आपने उससे पहले मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया और से परचेज कॉन्ट्रैक्ट आपने बाद में किया, तो ये मुराबहा नल एंड वॉइड हो जाएगा और ये वैलिड नहीं होगा। अच्छा, आपके पास जो है परचेज के सिलसिले में जो है बेहतर ये है और स्टैंडर्ड ये कहता है कि प्रायोरिटी जो है इस बात की होनी चाहिए कि आप खुद खरीदें, ठीक है, आप किसी को दरमियान में एजेंट ना बने। लेकिन अगर आप एजेंट बनाना चाहते हैं तो फिर प्रेफरेबल ये है कि आप जो है कस्टमर को अपना एजेंट ना बनाए, किसी थर्ड पार्टी को एजेंट बनाए, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर को भी एजेंट बनाते हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये भी कोई गलत बात नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसी सूरत में जो है ये है कि आप जो है वो उसकी जो प्राइस है वो पहली बात हुई कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंस्टीट्यूशन के नाम पे हो, कस्टमर के नाम पे ना हो, यानी वकील के नाम पे ना हो। तो दूसरी चीज उसमें ये है कि प्रेफर ये है कि आप जो है वो उसको उस वेंडर को डायरेक्ट पे करें, ठीक है, वकील के अकाउंट में पे करके फिर वकील आगे जाके उसको को पे करें, ये आप ना करें। ये सारी प्रेफरेंशियल बातें हैं, ठीक है, लेकिन जवाज इस बात का भी है कि आप जो है कस्टमर को अपना वकील बनाएं, उसके अकाउंट में पैसे डालें, वो पैसे उठाए और वो जाके जो है आपके वेंडर से जो है वो चीज आपके लिए खरीद के लेकर आए। और स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि इस बात की भी परमिशन है कि अगर वो वहां पे जाता है, वो इस बात का इजहार नहीं करता कि मैं ये चीज जो है ना एक्स वाई जेड बैंक के लिए खरीद रहा हूँ, तो ये भी जायज है, ये भी गलत बात नहीं है। तो जैसे हमने कहा कि मुराबहा से पहले जो है उसको प्रोसेस करना जरूरी है, ठीक है, फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव जो है पोजीशन वो पॉसिबल है, कमोडिटी के सिलसिले में कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होगी, जो मुराबा जो गाड़ी है या कुछ और कोई चीज है तो उसमें आप फिजिकल भी कर सकते हैं। अच्छा, जब तक बैंक बेचता नहीं है, मुराबहा नहीं करता, उस दौरान जो है उस मबिये के उस सब्जेक्ट मैटर की जो है इंश्योरेंस जो है वो बैंक पे लाजिम है, यानी कि उसका बैंक उसका रिस्पॉन्सिबल है, कस्टमर नहीं। अच्छा, मुराबहा सेल जो है स्टैंडर्ड ये कहता है
के ऑटोमेटिकली जो है वो कंक्लूड नहीं होता, उसके लिए बाकायदा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। यानी कस्टमर के साथ जो है आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाकायदगी के साथ करें। अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में उसमें नाम लिखा होता है और आप भी उसके ऊपर साइन करते हैं, वो भी साइन करता है, तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गए। लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक उस पे करते हैं, प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो वो आपको बाकायदा ऑफर भेजेगा, आप एक्सेप्टेंस भेजेंगे, या आप ऑफर भेजेंगे वो आगे से आपको एक्सेप्टेंस भेजेंगे, तभी जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वैलिड होगा। अच्छा, अगर कस्टमर ने रिफ्यूज किया कि मैं जो है ना मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना चाहता, ठीक है, या मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया उसके बाद जो है उसने कहा कि नहीं मैं तो ये डिलीवरी नहीं लूंगा, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो एक्चुअल कंपनसेशन है वो इंस्टीट्यूशन को मिलनी चाहिए। अच्छा, इस बात का भी जो है जवाज है कि मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा क्लॉज ऐड किया जाए कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि जिस वक्त कस्टमर ये इनकार करे कि तो मैंने ये चीज़ नहीं खरीदनी आपसे, या मैंने ये चीज़ जो है मैं आपसे नहीं लूंगा, एग्रीमेंट तो उसने कर दिया लेकिन मैं उसको उठाऊंगा नहीं, मैं डिलीवरी नहीं लूंगा, तो उसके अंदर जो है ना ये क्लॉज जो है मुराबहा एग्रीमेंट के अंदर डालने का जवाज है कि वो उसमें कहा जाए कि बैंक जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेगा और उस सब्जेक्ट मैटर को किसी और को सेल करेगा। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो आप सेल प्राइस में नहीं डाल सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर स्टाफ की सैलरीज हैं, आपके बिल्डिंग का रेंट है, इस किस्म की वो तमाम चीजें जो कि बीइंग के मुताबिक आपने आपके लिए पहले से मुहैया करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, आपके पास बैंक नहीं है, आपके पास इदारा नहीं है, ठीक है, आपके पास जो है कैपेसिटी नहीं है कि आप सेल करें, तो फिर तो आप सेल कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आप इस कॉस्ट को जो है मुराबहा के कॉस्ट के अंदर आप नहीं डालें। अच्छा, जितनी भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इंस्टीट्यूशन को जितनी भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इवन के कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद भी अगर आपको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ डिस्काउंट मिलते हैं, कुछ चीज मिलती है, वो आपने कस्टमर को फॉरवर्ड करने हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एक आम चीज जो होते हैं जो पूछा जाता है आमतौर पे कि क्या मुराबहा के सेल प्राइस को जो है यानी मुराबहा के प्रॉफिट को किसी बेंचमार्क के साथ मुंसलिक किया जा सकता है कि नहीं कर सकता? किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन मुराबहा बुक होगा उस दिन जो जो प्राइस होगी उस पे जो बेंचमार्क होगा वो उस बेंचमार्क पे कस्टमर और बैंक दोनों एग्री करते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो प्राइस जो है ना वो लॉक हो जाएगी, वो फिक्स हो जाए। उसके बाद उसके अंदर जो है ना ऐसा नहीं है कि हर महीने के आईबोर चेंज होगा या काईबोर चेंज होगा तो उससे जो है मुराबहा के प्राइस भी चेंज होंगे, नहीं। मुराबहा अगर 3 साल का है तो वो जिस दिन एग्जीक्यूशन हुई उस दिन से लेकर 3 साल तक उसका एक ही प्राइस रहेगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। लेकिन जिस दिन पे बुकिंग हो रही थी उस दिन का जो बेंचमार्क था उसके साथ आप उसको कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों पार्टियां जो है उसके लिए राजी हों। यानी एग्रीमेंट में आप वही सेल प्राइस उसके अंदर लिखें जिस दिन के बेंचमार्क था। अच्छा, इसके अलावा जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आपका सेल प्राइस जो है प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों जो है ना क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इसका सेल प्राइस है, मुकम्मल तौर पे एक अमाउंट लिखें, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। और आप ये भी नहीं लिख सकते कि जो है इसका परसेंटेज जो है वो 5% या 6% या 8% जो है वो हम प्रॉफिट लेंगे, नहीं। आपने जो है ना एब्सोल्यूट सेल प्राइस कस्टमर को बताना कि ये मेरा कॉस्ट है 5 दिरहम, और जो मेरा प्रॉफिट है 2 दिरहम, 7 दिरहम का जो है ना मैं इस चीज को बेच रहा हूँ, तो 7 दिरहम आप लिखेंगे। जब
सेल प्राइस पे आप एग्री हो जाएं, तो फिर उसके बाद जो है इंस्टॉलमेंट पे आप एग्री कर सकते हैं कि आप कहें कि मैं मंथली पे करना चाहता हूँ, इतना अमाउंट पे करना चाहता हूँ, या क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो है, या बुलेट या जो भी तरीके का पेमेंट का है वो मैं पे कर दूँ, लेकिन सबसे पहले जो है ना प्राइस के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट जरूरी है। ये सारे के सारे जो क्लॉजेस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जितने भी आर्टिकल्स मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये कमा हक्का हो मौजूद है आपके स्टैंडर्ड के अंदर। और मुराबहा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं, मुराबहा से, इजारा से, मुदारबा से, इस किस्म के जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा, जो जो प्रीवियस डिफेक्ट्स हैं, ये परमिटेड है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखें कि इदारा जो है वो उसके प्रीवियस डिफेक्ट्स, उसके खरीदने से पहले के, क्योंकि आपने तो कस्टमर के सामने उस चीज को खरीदा है, ठीक है, तो उसके जो प्रीवियस डिफेक्ट्स हैं उसके इदारा उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं डालते हैं तो फिर मसला ये होगा कि फिर कस्टमर आपके पास आएगा और आप आपको ही उसको फिक्स करना होगा। उसके बाद जो है ना कैश या टेंजिबल कोलेटरल जो है वो ले सकते हैं, परमिटेड है। जो सब्जेक्ट मैटर आपने बेचा है आप उसी को ही अगर बतौर रहन जो है वो कस्टमर आपको देता है तो आप उसी को भी रहन रख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये आमतौर पे होती हैं लेकिन पता नहीं चलता है इसका, वो अगर जो है कस्टमर यानी कि कस्टमर के साथ आपने एग्रीमेंट किया, ठीक है, वो चीज जो है ना आपने कस्टमर को दी भी, लेकिन जो उसकी ओनरशिप है आप उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे, और आप इसलिए रोके रखे हुए हैं कि मैं इसे तमाम के तमाम पैसे लूं तो फिर उसके बाद ये ओनरशिप मैं उसको ट्रांसफर करूं, तो ये जायज नहीं है। मुराबहा के अंदर मिल्कियत जो है उसका ट्रांसफर इंस्टेंटली जरूरी है। अलबत्ता रजिस्ट्रेशन जो है वो एक चीज है कि मयार ये कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको बाद में करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप उसकी रजिस्ट्रेशन बाद में करें। अच्छा, मुराबहा की रीशेड्यूलिंग जो है वो जायज नहीं है कि आप उसको कहें कि आप रेट जो है वो बढ़ाएं, हम जो है ये इंस्टॉलमेंट आपको डिले करते हैं, आप उसको बाद में दे दें, तो ये रीशेड्यूलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, लेट फी पेमेंट फी जो है वो भी लेना जायज नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर ये कहे कि मैं एक सर्टेन अमाउंट डोनेट करूंगा उसकी अंडरटेकिंग लिए, उसकी कमिटमेंट दे, तो ये जायज है। अगर मैं डिले करता हूँ तो मैं इतने पैसे जो है ना वो चैरिटी करूंगा, और वो पैसे जो है आपके शरिया बोर्ड के जरिए से जो है वो चैरिटी, किसी भी चैरिटी को जो है मुस्तहिकीन को वो दिए जाए, तो ये फार्मूला काबिले कबूल है। अच्छा, ये शर्त लगाना कि अगर आपने एक या दो इंस्टॉलमेंट जो है वो मौखर किए या लेट हुए आपसे पे नहीं किए टाइम पे, तो हम पूरे के पूरे डेट को जो है लिक्विडेट करेंगे, तो ये शर्त लगाना भी जायज है। सेटलमेंट जो है उसकी डेट की किसी और करेंसी के जरिए से, ये भी जायज है, बशर्ते कि उस दिन की जो जिस दिन में सेटलमेंट हो रही है उस दिन के एफएक्स रेट के मुताबिक, ठीक है। हमने मुराबहा स्टैंडर्ड खत्म किया, अगर आपको मुराबहा स्टैंडर्ड के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। फहद भाई, शेख बिल्कुल, ये अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और सवाल पूछ सकते हैं। जी इस वक्त जो है तीन तीन बंदों ने हाथ बंदों ने रेस की। हाथ जी, नजम भट्टी साहब सवाल पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला, आपने बहुत टाइम निकाला है हम लोगों के लिए। सर मेरा मुख्तसर सा एक सवाल है कि
मुझे हमेश जेदिया और अरबोन जो है वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि किस वक्त पे हम आपने एक चीज तो डिफाइन कर दी कि अरबोन जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमेश जेदिया बिफोर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सर ये सवाल है कि दोनों हम रिटेन भी कर सकते हैं क्या, और जो है टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एंड द कस्टमर हैज पेड द प्राइस, ये जी थोड़ी सी मैं वजाहत आप सर। जी मैं जवाब देता हूँ आपका। देखिए, हामिश अलजदिया जो है वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि जिस वक्त कस्टमर वादा करता है कि मैं आपसे मबी या सब्जेक्ट मैटर खरीदूंगा, तो उस वक्त हम उसके सिर्फ वादे पे एतबार नहीं करते, हम उसे कहते हैं कोई जो है टेंजिबल चीज भी हमें दे दो। तो वो एक जमानत के तौर पे जो है हमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है। ये अमाउंट जो है अगर कस्टमर अपने वादे को फुलफिल करता है तो ये सारे के सारे पैसे जो है हम कस्टमर को वापस कर देंगे, ठीक है। या अगर कस्टमर कहता है कि मेरे इन पैसों को जो है मेरे फाइनेंस के अंदर आप एडजस्ट करें, तो उससे उसका उतना फाइनेंस अमाउंट जो है ना उसका कम कर देंगे। दूसरी तरफ आते हैं अरबून की तरफ। अरबून जो है एक अलग से एक सब्जेक्ट है आपने अपने अंदर जो है, और उसके ऊपर अपना एक पूरा एक स्टैंडर्ड भी बना हुआ है। अरबून का मतलब ये है कि मैं जब एक चीज का मालिक हूं और मैं उस चीज को बेच रहा हूं, उस वक्त जो है मैं उसके साथ एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मुराबा कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये आप लोग की फॉर एग्जाम्पल उसकी कीमत जो है 10,000 रुपये है, और मैं 2,000 रुपये जो है टोकन मनी के तौर पे उसको देता हूँ, बैंक को देता हूँ कि भाई ये 2,000 दिरहम लो, मैं जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपके पास जो है ना 8,000 बाकी के पैसे लेकर आता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उस वक्त तक मैं गुड्स उसको नहीं दूंगा जब तक जो है वो मुझे पैसे पूरे नहीं करेगा। गुड्स मेरे पास है, ठीक है। बंदा गया, उसने 3 दिन का टाइम कहा था, 5 दिन का टाइम कहा था, उसके अंदर वो नहीं आया, तो अब अरबून जो है उसको मैं अपने पास रख सकता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेबल वे तो ये है कि मैं उससे अपनी कंपनसेशन लूं, बाकी जो ने पैसे उसको वापस कर दूं। लेकिन अगर मैंने उससे पैसे वापस नहीं किए तो एज पर दी स्टैंडर्ड जो है हम उससे वो पैसे पूरे के पूरे ले सकते हैं, जबकि सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कस्टमर आपको देगा, ठीक है, और वो पैसे जो है आप उसके लिए बतौर अमानत अपने पास रखेंगे, जबकि अरबून जो है वो उस कीमत का हिस्सा था जिस पे आपने वो चीज बेची थी उसको। तो ये दो बुनियादी तौर पे फर्क है कि अरबून को जो है ना अगर वापस नहीं किया जाए तो कोई मजायका नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर उसने अपना वादा पूरा किया है तो वो उसको आपने वो पैसे जो है ना वापस करने हैं, या वो जो जिस तरीके से कहता है। अच्छा, अरबून जो है उस आपने जो लिया है वो कस्टमर के पैसे नहीं है, वो आपके पैसे हैं, आप उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर डाल देंगे, अपने जीएल के अंदर डाल देंगे, जबकि जो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कस्टमर के पैसे हैं, वो आपने हर सूरत वापस करने हैं, और उसके ऊपर आप उसको यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आप डालते हैं तो उसमें वो प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अरबून जो है वो पहले दिन से आपके जो है उसके प्राइस के सेटलमेंट के तौर पे आपके पास आ गए, आपको वो पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो जो आप वाजे है, फिर भी कुछ वजाहत की जरूरत है तो बता दीजिए जी। दूसरा दो दो बंदों ने और भी हाथ खड़े किए हैं जी जी, शेख कहिए। अताउल्लाह साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अताउल्लाह साहब सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम अच्छा, वरहमतुल्लाह। जजाकअल्लाह सर। ये क्वेश्चन मेरा ये था कि मुराबा में आपने फरमाया कि मलकियत ट्रांसफर हो जाती है इंस्टेंटली, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बाद में हो सकती है, ये जरा थोड़ा सा क्लियर नहीं है मुझे। रजिस्ट्रेशन एंट्री पास ऑन का हवाला है या क्या है? नहीं, एंट्री तो आपने उसी वक्त पास करनी है। मैं एसेट की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ कि आप जो है एसेट को अगर रजिस्टर नहीं कर, ये मैयार ये कहता है, लेकिन आमतौर पे जो है जो प्रैक्टिस है वो इस तरीके से नहीं है। प्रैक्टिस ये है कि आप जो है जैसे गाड़ी बेचते हैं तो आपको उसी वक्त उसको ओनर के नाम पे रजिस्टर भी करना है, लेकिन उसने जो है स्टैंडर्ड ने एक पॉसिबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी आपको बताई है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आप उसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसके नाम पे करना जो है वो उसको जो है आप वो मौखर कर सकते हैं, लेकिन ओनरशिप जो है उस चीज की वो उसी वक्त उसको उसको देंगे। अगर आगे जाके वो उसको बेचता है या कोई और उसको एक्शन लेता है, उसके तसरफ करता है उसमें, तो वो उसकी चीज है, आप उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करें।
एक और क्वेश्चन भी था मेरे ख्याल में। जी शेख रिजवान मलिक साहब हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आपको रिजवान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये वालेकुम अर्गोन और हामिश जदिया का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। सर, ये बहुत दफा ऐसा होता है कि कस्टमर टोकन मनी पे करके आता है वेंडर को, क्योंकि यहाँ पे जो पंजाब पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पे जो ट्रॉली वगैरह बनानी हो या एग्री इक्विपमेंट्स बनाने हो, यहाँ पे लोकल वेंडर्स होते हैं, तो उसको थोड़ी अमाउंट पे करके आते हैं कि भाई मैं आपसे परचेज करूंगा, बाकी की रिमेनिंग अमाउंट मैं बैंक से फाइनेंस करवाऊंगा। इस केस में सर कुछ गाइड कीजिए, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो ऑडिट की ऑब्जर्वेशन आती हैं उसमें वो ऑडिट ने ये ऑब्जर्व किया होता है कि ये ट्रांजेक्शन फासिद है, क्योंकि कस्टमर और वेंडर के दरमियान ऑलरेडी प्रियर एग्रीमेंट हो चुका है, तो उसके ऊपर बैंक उस एग्रीमेंट में जाए या ना जाए विद रिस्पेक्ट टू मुराबा। आप गालिबन हामिश जदिया और डाउन पेमेंट दोनों को आपस में जो है थोड़ा सा उसमें मिक्सअप हो रहा है। तो आमतौर पे तरीकेकार जो है वो ये होता है कि बैंक का और कंपनी का जो जो वेंडर है उसका आपस में जो है ना एक ताल्लुक पहले से ऐसा होता है कि ये जो डाउन पेमेंट अमाउंट है और जो हामिश जिद्दिया है इनको आपस में सेट ऑफ कर दिया जाए। यानी कि अगर बैंक उसी वेंडर से जो है वो चीज पहले से खरीद लेता तो बैंक ने उसको डाउन पेमेंट देना था, ठीक है। अच्छा, चूंकि कस्टमर ने बैंक से फाइनेंस उठाना है तो कस्टमर ने बैंक को हामिश जिद्दिया देना है या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देना है। तो अगर जो है कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक उस अमाउंट को वेंडर को दे तो शर्त तो पूरी हो गई, उसने तो हामिश जिद्दिया ही देना था बैंक को, ठीक है। वो हामिश जिद्दिया उसने बैंक को देने के बजाय जो है उसने डाउन पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, इसको हवालत हक कहते हैं, ठीक है। तो हवालत हक के तौर पे जो है ना उसने वो वेंडर को दे दिया, तो ये जो है ये जायज है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए स्पेशल एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे साइन करना होता है कि ये जो हवाला हो रहा है ये ट्रांसफर हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो पे कर रहा है उसको। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसका तो वो सिलसिला ही जो है मुख्तलिफ है, क्योंकि वो तो इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। वहां पे वो जितना हिस्सा उसने दिया होता है उतना उसका हिस्सा होता है, बाकी का हिस्सा जो है वो बैंक फाइनेंस करता है। मैं मजीद अगर वजाहत की जरूरत है तो मैं बता दूँ। जी ताहिर माहिर साहब, इब्राहिम साहब, माहिर इब्राहिम साहब सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल ठाक है? वालेकुम अच्छा, सलाम। मेरा मेरा सवाल था कि मुराबा के केस में सप्लायर से गारंटी लेना और एजेंट से गारंटी लेना, इसके बारे में जरा बता दे, जरा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? अगर लेते हैं तो क्या सूरत हाल है, अगर नहीं ले सकते तो क्या सूरत हाल? सप्लायर से गारंटी, जरा थोड़ी सी अपने क्वेश्चन की वजाहत करें। फॉर एग्जाम्पल एजेंट बैंक है, बैंक ने सप्लायर मतलब कि वेंडर से परचेज करनी है गुड्स और वो अपने कस्टमर को सेल करनी है। ठीक है, सप्लायर से उसने जब खरीदनी है तो सप्लायर से खरीदने के बाद कोई मसला मसाइल निकल आता है तो गारंटी ले सकता है या नहीं ले सकता? अगर लेता है तो किस सूरत में वो अपना इंडेमनिटी क्लेम कर सकता है सप्लायर के साथ? दूसरा मेरा इसमें सवाल है कि इसी तरह ही एजेंट के साथ जो है गारंटी वो किस तरह ले सकता है और किस तरह उसको यूज कर सकता है? आपने ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। पहले सिचुएशन में आपने जो वेंडर की बात की है, बिल्कुल जो है बैंक वेंडर से गारंटी ले सकता है कि जो चीज़ वो देगा वो चीज़ सही होगी, उसके अंदर कोई खराबी नहीं होगी, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल ले सकता है। और इसके साथ साथ आपको स्टैंडर्ड इस बात की भी इजाज़त देता है कि अगर उस वेंडर की जो है इंडिपेंडेंटली जो है आपका कस्टमर जो है वो गारंटी लेता है तो ये भी पॉसिबल है, ये भी जो है परमिसिबल है। यानी कि आपके पास बंदा आया, उसने कहा कि मैं एक्स वाई जेड से खरीदना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि एक्स वाई जेड तो मेरे पास लिस्टेड नहीं है, जो मेरे जो क्रेडिट की लिस्टिंग है या जो बैंक की जो लिस्टिंग है अप्रूव्ड कंपनीज की लिस्ट है उसके अंदर वो नहीं है। वो कहता है कि मैं इसकी पर्सनल गारंटी लेता हूँ, ठीक है। आप कहते हैं कि
आप पर्सनली जो है उस वेंडर की गारंटी जो है वो इंडेमनिटी उसे साइन करते हैं या जो भी उसे साइन करते हैं, आप उसके जरिए से वो उसकी अपने पर्सनल कैपेसिटी में जिसके लिए वो बाद में भी लायबल है, यानी कि अगर यानी वो उसके इस ट्रांजेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसके अपने पर्सनल कैपेसिटी में उसकी वो गारंटी है, ये गारंटी पॉसिबल है और ये स्टैंडर्ड जो है अलाउ करता है। अच्छा, तो दूसरी सूरत जो आपने एजेंट की बताई है, तो एजेंसी जो है वो उसका ताल्लुक ट्रस्ट बेस्ड एग्रीमेंट से है, उकूद अल अमानात से है। उकूद अल अमानात में जो है ना वो वकील जो है एजेंट जो है वो मुवक्किल के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन गारंटी किस चीज की होती है, गारंटी इस चीज की होती है कि अगर आपने जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने नेग्लिजेंस किया, मिसकंडक्ट किया आपने, ठीक है, इस सूरत में जो है वो फिर गारंटी दे सकता है। लेकिन बहसियत दीगर बतौर एजेंट वो उससे गारंटी लेना दुरुस्त नहीं है। जजाकअल्लाह शेख, हम आगे बढ़ते हैं। वक्त को देखते हुए 1 घंटा रह गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा जो स्टैंडर्ड है जिसको मैं बयान करना चाहता था वो प्रोक्रास्टिनेटिंग डेप्टर है। प्रोक्रास्टिनेटिंग डेप्टर वो होता है जो जो टाल मटोल करता है। टाल मटोल इस सेंस में करता है कि वो कभी उसने इंस्टॉलमेंट पे किया, कभी फिर दो इंस्टॉलमेंट उसे नहीं पे किए, फिर आया उसने जो है उसमें से आधे पैसे पे किए, फिर जो है वो गायब हो गया कुछ अरसे के लिए, फिर आया उसने सारा पे किया, उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू कर, ये प्रोक्रास्टिनेटिंग डेप्टर होता है। जो स्टैंडर्ड ये कहता है कि प्रोक्रास्टिनेटिंग डेट जो है टाल मटोल करना जो है वो हराम है, और कहता है कि अच्छा इस सिलसिले में कोई भी कंपनसेशन उससे लेना, अगर वो डिले करता है पे नहीं करता तो क्या कोई कंपनसेशन हम उससे ले सकते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं ले सकते, परमिसेबल नहीं। अच्छा, फिर कहता है कि कंपनसेशन अगर अपॉर्चुनिटी लॉस के लिए हो, ठीक है, लॉस इन इनकम हो, क्या उसके लिए ले सकते हैं, कहते हैं उसके लिए भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि करेंसी की वजह से जो है ना लॉस हुए हो, हमने डॉलर में जो है ना उसको वो कर दिया था, पेमेंट कर दी थी, ठीक है, अब उसने डॉलर में पेमेंट करनी थी और अभी करेंसी जो है हमने लोकल करेंसी में उसको फाइनेंस किया, डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच, कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता, ठीक है। क्या उस कंपनसेशन की जो है जुडिशियल डिमांड भी हो सकती है, सेंट कहता है ना वो भी हराम है, वो भी आप नहीं कर सकते। अच्छा, क्या हम अगर उसको का केस में कोर्ट में जाते हैं, कोई केस करते हैं, तो क्या लीगल एक्सपेंसेस या कलेक्शन एक्सपेंसेस हम ले सकते हैं उससे, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप उससे, ठीक है। उसका जो मॉर्गेज है आपके पास, क्या उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, क्या अगर वो नहीं पे करता तो ऐसी सूरत में कि उसके डेट को लिक्विडेट किया जा सकता है, बिल्कुल लिक्विडेट किया जा सकता है। अच्छा, और अगर वो जो है बैंकरप्सी जो है वो अनाउंस करता है कि वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, और उसके पास वो एसेट जो हमने उसको बेचा था, बैंक ने उसको बेचा था, वो अपने असली सूरत में मौजूद है, क्या वो हम उसे रिपोजेस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल रिपोजेस कर सकते हैं, बैंक का राइट है कि उसे रिपोजेस किया जाए, और उसके जो जो जितने भी क्रेडिटर्स होंगे उसमें बैंक सरे फहरिस्त हो। अच्छा, क्या इस बात की का जवाज है कि वो ये अपने ऊपर लाजिम करें कि मैं इन केस अगर मैं डिले करता हूं तो मैं इस सर्टेन अमाउंट जो चैरिटी को दूंगा, यस ये पॉसिबल है, यानी कंपनसेशन बैंक अपने लिए जो है नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो कमिटमेंट करे कि आपने जो है वो चैरिटी को पैसे देने हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द शरिया बोर्ड, तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस बात का मुतालबा कि वो उसके गारंटर से जो है ना रिकवरी करे, ये भी उसने कफालत ही इसीलिए दी है, गारंटी इसलिए दी है, नहीं तो वो जमानत क्यों करता उसकी, तो वो चाहे जो है ना डेप्टर से ले चाहे जो है उसके गारंटर से ले, किसी भी जिसके पास भी पैसे हो बैंक को हक है वो ले। और इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट में अलबत्ता शर्त जजाई जो है लगाना, पेनल्टी को लगाना ये जायज है।
ठीक है, और उसमें भी जो है पेनल्टी अमाउंट जो है आप कंपनसेशन जो है कि अपने डैमेज के एतबार से होगा, ऐसा नहीं कि जो है वो सारे के सारे बहुत सारे पैसे उससे ले लिए जाएं, जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे ज्यादा ले लिए जाएं, नहीं, जो एक्चुअल एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो उतना ही आप ले सकते हैं। अच्छा, क्या कस्टमर को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर वो बैंक पे नहीं करता। अच्छा, आमतौर पर जो है ये होता है कि किसी के टोह में रहना और किसी के जो है ना एक इन्वेस्टिगेशन करना और ये करना वो करना वो जायज नहीं होता, लेकिन ऐसे डिफॉल्टर का, ऐसे शख्स का जो डिफॉल्टर हो बैंक का, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जायज है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के उसके एक्टिविटीज को मॉनिटर करना भी जायज है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टैंडर्ड के पे जो तवर्रुक है, और ये भी बेसिकली मुराबहा ही है, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म का सब्जेक्ट है। आमतौर पे ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो तवर्रुक कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम तवर्रुक नहीं करते, और उर्फ आम में जो इसके लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है उसको कमोडिटी मुराबहा कहते हैं। इसकी जो डिफिनेशन जो है उसने बयान की है अपने आईयूपीएन ने, वो कहता है कि मोनेटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग ए कमोडिटी फॉर अ डिफर प्राइस डिटरमिन थ्रू मुसावमा और मुराबहा, यानी कि कस्टमर जो है मुराबहा के जरिए या मुसावमा के जरिए से कोई कमोडिटी खरीदता है एंड सेलिंग इट टू द थर्ड पार्टी, और किसी और शख्स को जिससे जिससे खरीदा गया उसको ना, जिस किसी और शख्स को जो है वो किसी थर्ड पार्टी को बेचता है स्पॉट बेस पे। तो ये जो है ये इसको उसका ऑब्जेक्टिव उसका ये हो कि वो उसको उससे लिक्विडिटी हासिल करे, उससे कैश हासिल करे, तो ये पॉसिबल है, इसको मोनेटाइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो कुछ लोगों ने ये एतराज किया था पुराने जमाने में कि जिस वक्त स्टैंडर्ड बना था कि ये तो ही ना हो गया, यानी कि उसने खरीदा और फिर उसके बाद, तो उसके लिए ने एक एडिशनल जो है डिफिनेशन उसके अंदर डाल दी गई कि ईना जो है वो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग द कमोडिटी फॉर अ डिफर प्राइस एंड सेलिंग इट फॉर अ लोअर स्पॉट प्राइस, यानी कि आप डिफर प्राइस पे खरीदें और उसको हायर प्राइस पे जो है डिफर्ड हायर प्राइस पे खरीदें और स्पॉट लोअर प्राइस पे सेम शख्स को, सेम आदमी को जो है ना सेल करें, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, दोनों ही। तो चूंकि उसमें मोनेटाइजेशन में बैंक कहीं से खरीदता है, फिर जब ऑन करता है तो फिर कस्टमर को बेचता है, और फिर कस्टमर उठ के जो है किसी और को बेचता है, तो इसमें कहीं पे भी ईना का कोई वो नहीं। मुतवर्रिक कौन कौन हो सकते हैं? मुतवर्रिक कस्टमर भी हो सकता है, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई कन्वेंशनल बैंक भी हो सकता है, लेकिन इस सूरत में कि वो ये कमिटमेंट दे और आपके पास कोई ऑडिट का बकायदा इंतजाम मौजूद हो कि वो पैसे जो हैं जो जो मुराबहा के जो प्रोसीड्स हैं वो प्रोसीड जो है वो किसी कन्वेंशनल लोन में या किसी डिबेंचर में या किसी बॉन्ड में या किसी भी नन शरिया कंप्लाइंट जो है ना एसेट के अंदर वो इस्तेमाल ना हो। एनी वक्त मसलन अगर कुछ बैंक सुकूक खरीदते हैं, कुछ बैंक जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी इस्लामिक सिंडिकेशन के अंदर जो है, या किसी बैंक के पास कोई कस्टमर होता है वो कहता है कि मैंने सिर्फ इस्लामिक ही करना है और वो कस्टमर को नहीं वो जाने देना हाथ से, तो ऐसे कस्टमर्स के लिए जो है उस पैसे को इस्तेमाल करें, उस प्रोसीड को इस्तेमाल करें, तो फिर कन्वेंशनल बैंक के साथ भी वो मुराबहा किया जा सकता है। अच्छा, प्रोसेस इसका वही है, कस्टमर की इंटेंशन होती है, क्रेडिट रिव्यू होता है, अप्रूवल होती है, फिर प्रॉमिस टू परचेस होता है, फिर एफआई जो है वो कमोडिटी को खरीदता है और फिर उसके पोजीशन लेता है कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है, और आगे जाके जो है ना मुराबहा सेल करता है कस्टमर को, और कस्टमर जो है मुराबहा एक डेट क्रिएट हो जाता है वो जिसको इंस्टॉलमेंट में पे करता है, और जो कमोडिटी कस्टमर पोजेस करता है उसको आगे जाके जो है सेल कर देता है किसी थर्ड पार्टी को, और उससे जो है ना अपनी लिक्विडिटी की जरूरत होती है वो पूरी करता है। अच्छा, इसमें सिर्फ इसके अलावा जो है ना इस स्टैंडर्ड के अंदर और कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक दो दो तीन नुकात हैं, वो ये है कि सबसे पहली बात ये समझनी जरूरी है कि तवर्रुक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, बैंक इसको इस्तेमाल करते हैं बतौर प्रोडक्ट, लेकिन ये
शरिया की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है कि ये बतौर प्रोडक्ट आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते। आप तवर्रुक जो है एक सोल्यूशन है ऐसी हालत में कि जहां पे आपको जरूरत होती है कि आप जो है ना कस्टमर किसी भी सूरत में उसको वो कोई भी सर्विस नहीं लेना चाहता या किसी ऐसी जगह पे सर्विस लेना चाहता है जहां पे आप नहीं पहुंच पाते, ठीक है, या वो जो है किसी कन्वेंशनल बैंक में उसका डेट है और उस डेट के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे ही दरकार है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आप उसको तवर्रुक करके दें ताकि वो उस प्रोसीजर से जाके उधर सेटलमेंट हो, या ऐसी ही कोई दूसरी जरूरत है, ठीक है, कोई इलाज है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इंडिया में है पाकिस्तान में कहीं पे जो है ना उसको इलाज करना और वो वहां तक हमारी कोई रसाई नहीं है, कोई वो हॉस्पिटल हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम कस्टमर को कवर करके देंगे। लेकिन देखा ये गया है कि बैंकों के 60-70% पोर्टफोलियो जो है वो तवरुक ही तवरुक है बदकिस्मती से। अच्छा, एक चीज और जो स्टैंडर्ड में बयान की गई है कि जिस वक्त इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो है वो उसको लिक्विडिटी की जरूरत होती है तो उनको जो है चाहिए कि वो खुद से ट्रांजेक्शन करें क्योंकि उनके पास तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो खुद से खरीद भी सकते हैं और खुद से आगे थर्ड पार्टी को बेच भी सकते हैं, तो उनको दरमियान में वकील डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, एक जो और चीज इसके अंदर बयान की गई है वो ये है कि हमेशा से जो है ऑर्गेनाइज तवर्रुक से इज्तनाब करना चाहिए, अगर हमने तवर्रुक करना भी है तो ऑर्गेनाइज तवर्रुक से इज्तनाब करना चाहिए। ऑर्गेनाइज तवर्रुक क्या होता है? ऑर्गेनाइज तवर्रुक ये होता है कि आप उसमें जी बैंक को ही कस्टमर अपना एजेंट बनाता है फॉर ऑनवर्ड सेल टू थर्ड पार्टी, ये बैंक तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इससे आपको इज्तनाब करना है और कस्टमर को चाहिए कि वो खुद से सेल करे, अगर खुद से सेल नहीं करता तो कोई थर्ड पार्टी एजेंट रख के जो है ना उसके जरिए से सेल करे, ठीक है, ये तवर्रुक के बारे में सारे। अच्छा, अब हम आते हैं इजारा के, इजारा प्रोडक्ट की तरफ जो है, ये बहुत अहम प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट के अंदर जो है असल में दो प्रोडक्ट्स हैं लेकिन डिफाइंड ऐसे तरीके से किया गया है कि जैसे कि ये एक ही प्रोडक्ट है। एक को कहते हैं इजारा मुआयना मुंतहिया बिलतमलीक और दूसरे को कहते हैं इजारा मौसूफा फिज जिम्मा मुंतहिया बिलतमलीक, यानी कि अच्छा कोई क्वेश्चन है उसके प्रोक्रास्टिनेटिंग डेप्टर और तवर्रुक के सिलसिले में? मेरे ख्याल में काफी सारे क्वेश्चन होने चाहिए, अगर किसी के पास है तो ये अच्छा मौका है अभी हम जवाब दे देते हैं उसको उससे पहले कि हम इजारा में जाएं। जी आप नजम साहब, सर, टाइम इज शॉर्ट, लेकिन ये जो म्यूटेशन है और तवरुक वाला जो सब्जेक्ट है सर, जी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज अ बिग थिंग इन मॉडर्न डे बिजनेस. वी कैन नॉट अवॉइड दैट. सो इफ वी आर नॉट डूइंग तवरुक, व्हाट एल्स वी कैन डू? सेकेंडली, जब हम लोग कमोडिटी तवरुक में सेल करते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बैंक कैन नॉट वर्क एज एजेंट ऑफ द कस्टमर फॉर ऑनवर्ड सेल. माई क्वेश्चन इज दिस के अब जैसे हमने ब्रोकर ए से कमोडिटी खरीदी, कस्टमर को सेल कर दी, अब कस्टमर ऑनवर्ड सेल करना चाहता है, अब कैन ही अपॉइंट द ब्रोकर ए फॉर ऑनवर्ड सेल? नहीं, लेकिन सर, ब्रोकर ए इज आउट ऑफ द इज आउट ऑफ द सिनेरियो नाउ, वो इस सिनेरियो से बाहर चला गया, उसने अपना अपना कमोडिटी सेल कर दी, ठीक है, उसने कमोडिटी हमें सेल की है सर, उसने उसने कमोडिटी कमोडिटी हमें हमें सेल की, सेल की है, उसने हमने हमें ऑनवर्ड कस्टमर को सेल की है. हाँ हमने कस्टमर को ऑनवर्ड सेल की है, अब कस्टमर जो है किसी इन दोनों पार्टियों से हट के जो है किसी और को जो है वो ओके अपना किसी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट उसको ब्रोकर को जो है ना अपॉइंट करेगा और अपनी कम्युनिटी सेल करेगा, ना ही वो बैंक को कर सकता है और ना ही जो है ना जिसने बैंक को सेल किया उसको कर सकता है। ठीक है. एंड सर, थर्ड क्वेश्चन सर, सर स्टैंडर्ड 59 इज देयर विच इज आउट ऑफ स्कोप, बट आई जस्ट वांट टू आस्क बिकॉज दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग. एओफी कहता है कि जी आप जब रोल ओवर कर रहे हैं, मैंने किसी को जी बराबर तवरू किया, अब वो ड्यू डेट पे प्रिंसिपल पे नहीं कर सकता, प्रॉफिट पे कर रहा है, एंड नेक्स्ट मुराबहा इज बिगर इन अमाउंट देन द एग्जिस्टिंग मुराबहा,
वी हैव टू डू वन डे प्रायर, और एक दिन के लिए कस्टमर के अकाउंट में पैसा होना चाहिए ओवरनाइट. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक सर, एक रात है या एक घंटा है या 4 घंटे हैं, उसे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं नहीं, ऑन उसे द उसे डे ऑफ फर्क नहीं रोल ओवर पड़ेगा। करता हूँ? हाँ, मैं जी आपको जी बताता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक दिन जो है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये जी जी एक सर, दिन कैसे हुआ, ठीक है। हम ये एक दिन नहीं था, बिल्कुल. ये एक महीना था, अच्छा, ठीक है। इसको एक दिन बनाने में हमें कितनी तगड़ो करनी पड़ी है, ये वही लोग जानते हैं जो के क्लोजली स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो नया मुराबहा है, ठीक है, वो पुराने मुराबहे से टोटली इंडिपेंडेंट है, टोटली सेपरेट है। और आपने अगर स्टैंडर्ड का मुताला किया हो 59 का, तो उसमें क्लियरली ये कहा गया है वो एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है, उसकी एक सेपरेट क्रेडिट अप्रूवल होगी, ठीक है। उसका पुराने मुराबहे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, और वो कस्टमर अगर चाहेगा पुराने मुराबहे को सेटल करना तो वो सेटल करेगा, वो आपको कहेगा कि पुराना मुराबहा सेटल करो। आप उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते, यानी दूसरे लफ्जों में जो है, रिवॉल्विंग मुराबहा के नाम की कोई चीज है ही नहीं सिरे से। ये एक बिदत थी जो बैंकों ने शुरू की थी, ठीक है। और श्रेया स्कॉलर्स ने शुरू में जो है ना उनको इजाजत दी, बाद में उनको समझ नहीं आती कि इसको किस तरीके से रोकना। अगर अयूफी दरमियान में ना आता तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि बैंकों ने जो है ना इसको बाकायदा से वो एक एक ऐसे ऐसी चीज बनाई हुई थी कि जिसको वो समझते कि बिल्कुल ये हलाल चीज है, और मुराबहे पे मुराबहे कर रहे हैं। और यकीन जाने कि हमने ऑडिट में ऐसे केसेस देखे हुए हैं कि यहाँ पे कोई कम्योडिटी नहीं खरीदी गई है, कोई कम्योडिटी बेची नहीं गई है, और ट्रांजेक्शन जो है 1 सेकेंड के अंदर अंदर वो मुराबहा सेटल हुआ, दूसरा मुराबहा क्रिएट हो गया। ये तो सीधा सीधा जो है अलकाले बिलकाले, यानी कल्ब देन वाली जो है ना सिचुएशन है। तो इस वजह से उन्होंने, ये स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं शरिया, आयुफी के शरिया कमेटी के अंदर जो है, तकी उस्मानी साहब उनको चेयर करते हैं, इस तरह के और बड़े बड़े आलम इस्लाम के नामवर उलमा हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज के ऊपर जो है ना एक हाथ बंदी होनी चाहिए, अदरवाइज ये फ्यूचर में हमारा और कन्वेंशन के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। आप ऐसे, आपको पता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इवन के नया मुराबहा भी बुक नहीं करते थे, सेम मुराबहा के अंदर वो रेट चेंज करते थे। एक मुराबहा उन्होंने बुक किया 3 साल के लिए, 3 महीने के बाद जो है ना उसने कमोडिटी वगैरह का जो भी अरेंजमेंट था वो कर दिया, जाके जो है ना सेम मुराबहे के अंदर रेट चेंज कर दिए। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी करते थे, वो जाके वो सेटल करें फिर वो दूसरा मुराबहा क्रिएट करें। इसके अंदर बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी थी, इस वजह से जो है ना उन्होंने ये एक दिन का टाइम रखा है। लेकिन उसके बहुत सारे हलूल हैं, उसके लिए काम किया जा सकता है, अगर इंटेंशन हो तो उसके लिए काम किया जा सकता है। आप कभी जो है फुर्सत में मुझसे बात करें तो फिर इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। जजाक अल्लाह जी, शेख. कोई कोई और और इससे क्वेश्चन? इससे इससे ये भी पता लगता है कि 48 स्टैंडर्ड से हटकर भी दूसरे स्टैंडर्ड पढ़ना कितना जरूरी है एग्जाम के लिए. बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगरचे वो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन उन स्टैंडर्ड्स में जो है, जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है वो 59 है, ठीक है, और 61 है, ठीक है। उसके अंदर गोल्ड का स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड उसके अंदर है, ठीक है। तो ठीक हम है इजारे सर, की तरफ जाएं, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल. वैसे वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा। अच्छा, तो इजारा के बारे में मैंने बताया कि इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स बेसिकली हैं, एक प्रोडक्ट नहीं है, एक इजारा मुआयना मुंतहिये बिलतमलीक, यानी स्पेसिफिक एसेट, यानी या जिसको हम अंग्रेजी में जो जो कहते हैं ना वो रेडी एसेट इजारा एंड अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट इजारा। अच्छा, खैर, हम ओवरऑल इजारा को लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो कस्टमर एक प्रॉमिस करता है लीज करने का, फिर क्रेडिट रिव्यू होता है उसका, और उसके बाद जो है उस एसेट के को एक्वायर किया जाता है, या उसके जो है यूज ऑफ रेट को एक्वायर किया जाता है, और आगे जाके जो है फिर उसको लीज किया जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद लीज एग्रीमेंट साइन होता है, और उसमें जो कोलेटरल्स बैंक ने लेने होते हैं तो कोलेटरल्स ले लेता है, या बाज़ अवकात जो है उसी एसेट को काफी समझते हुए जो है मजीद कोलेटरल्स का डिमांड नहीं किया जाता।
है, तो इसमें टर्मिनेशन भी हो सकती है, रिन्यूअल भी हो सकती है, अमेंडमेंट भी हो सकती है जा रहेगी, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है बरखिलाफ मुराबा है कि इसके अंदर आप वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आखिर में चूंकि ये मुंतहिये बिलतमलीक होता है, एंडिंग ऑन ओनरशिप होता है, तो उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के ख्यारात होते हैं कि उसको किस जरिए से जो है उसको कस्टमर को ट्रांसफर किया जाए। तो इसमें सस्पेंडेड हिबा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और इसके अंदर सेल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और आखिर में जो है ना कस्टमर को उसकी ओनरशिप मिल जाती है और वो अपना एसेट उठा लेता है आफ्टर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ ऑल रेंटल्स। उसमें फिक्स रेंटल है, उसमें सप्लीमेंट्री रेंटल है, उसमें जो है आपका वेरिएबल रेंटल है, उसके अंदर आपका एडिशनल रेंटल है, और भी अगर आपको कोई कंपोनेंट उसके अंदर है, तो वो सारे के सारे जो है वो सेटल करने के बाद जो है बैंक के पास, बैंक उसकी ओनरशिप चेंज करता है, कस्टमर को देता है। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? प्रॉमिस टू लीज चाहिए, जाहिर बात है, एसेट परचेज एग्रीमेंट, ये इंतहाई ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे समझना जरूरी है कि हम एसेट किससे एक्वायर कर रहे हैं। अगर हम उसी कस्टमर से जो जिस कस्टमर के साथ हम जो हमारा कस्टमर है उसी से हम एसेट परचेज कर रहे हैं, तो सीधा सीधा एसेट परचेज एग्रीमेंट उसके साथ साइन होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम अगर कस्टमर हमारे पास आने से पहले वो किसी और किसी कि फॉर एग्जांपल उसने किसी डेवलपर से जो है प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में कस्टमर तो ओनर तो हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ डाउन पेमेंट पे किया था, फुल ओनर तो नहीं हुआ था उसका, जी हिस्से का जो है वो ओनर बन गया था। तो फिर ऐसे सूरत में बैंक और कस्टमर और जो वो डेवलपर है उनके दरम्यान में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन होता है, जिससे वो सारे के सारे असाइनमेंट जो है वो कस्टमर से बैंक को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर जो है तीसरी सिचुएशन होती है कि वो कोई थर्ड पार्टी है जिसकी जो है ना वो प्रॉपर्टी उसकी है, तो बैंक जो है फिर एसेट परचेज एग्रीमेंट उस थर्ड पार्टी के साथ जो है वो साइन करे। तो चौथी सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी पार्टी आपके साथ जो है ना वो एग्रीमेंट नहीं करना चाहती, कोई खासकर जो है अगर कोई इस्लामी बैंक है उसके पास ही उसका ये एसेट है जिसने आगे जाके भी कस्टमर को आपके कस्टमर को लीज पे दिया हो, आप उससे जो है ना इसको जो कन्वेंशनल बैंक में बाई आउट कहते हैं, हमारे यहाँ भी बड़ा लफ्ज इस्तेमाल होता है बाई आउट, बाई आउट करते हैं आप उसे, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में फिर आप अपने कस्टमर को जो है ना अपना एजेंट बनाएंगे, वो आगे जाएगा उस इंस्टीट्यूशन से वो एसेट को अक्वायर करेगा आपके लिए, फिर उसके बाद वो आपके साथ लीज एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशंस हैं, थर्ड पार्टी ओनर है, डेवलपर ओनर है, ठीक है, या कस्टमर खुद ओनर है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं। दो सूरतें होती हैं कि बैंक एसेट परचेज करे और अपने नाम पे रजिस्टर करे, ठीक है, अच्छा, ये एक सिचुएशन है, उसमें कोई मजायका नहीं है, ये सबसे बेहतरीन हल, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर बैंक जो है वो अपने नाम पे रजिस्टर करता है तो एक मतलब उसको लैंड डिपार्टमेंट में उसकी फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, और जब आखिर में उसको कस्टमर के नाम पे दोबारा जो है वो ट्रांसफर करना होता है, तो फिर कस्टमर को फिर से जो है वहां पे वो ट्रांसफर के जो है पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये होता ये है कि बैंक कस्टमर को अपना टाइटल एजेंट बनाता है, उसके साथ टाइटल एजेंसी साइन करता है कि भाई आप मेरे टाइटल एजेंट हो, मेरे बिहाफ पे जो है आप ये टाइटल अपने नाम पे कर दो इस एसेट का, ठीक है, और वो एग्रीमेंट शुरू हो जाता है और वो बतौर टाइटल एजेंट जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर देता है। ठीक है, ये दो दे सिचुएशन, या तो बैंक उसको अपने नाम पे रजिस्टर करे, या फिर जो है ना कस्टमर के नाम पे रजिस्टर करके उसको अपना टाइटल एजेंट बनाए। अच्छा, उसके बाद जो है ना आप लीज एग्रीमेंट के अंदर आ गए। अच्छा, लीज एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सरे फहरिस्त बात यह है कि आपने जो एसेट जिस कीमत पे खरीदा है, ठीक है, क्या आप उसी कीमत पे उसको लीज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसके अंदर प्रॉफिट बनाना है, आप बैंक चला रहे हो, प्रॉफिट चलाने के लिए जो है एक तो ये है कि आप उसके साथ अच्छा, लीज एग्रीमेंट जो है वो मुराबहे की तरह 3 साल का 4 साल का नहीं होता, ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतने लंबे अरसे का होता है।
तो क्या आप 25 साल के लिए जो है ना आप एक लीज एग्रीमेंट साइन करोगे उसके साथ, यानी कि एक ही रेंटल पीरियड उसके साथ साइन करो और एक फिक्स रेंटल उसके साथ रखो, जबकि आपका आइबोर जो है हर 6 महीने बाद 3 महीने चेंज होता रहता है। इसलिए उसके अंदर जो है मेन जो एग्रीमेंट होता है वो लीज एग्रीमेंट होता है, लेकिन अंदर जो है रेंटल पीरियड जो है ना अरेंजमेंट होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना रेंटल पीरियड 1 साल करना रखना चाहता हूँ, तो 20 साल का अगर एग्रीमेंट है तो मेरे पास 20 रेंटल पीरियड होंगे, पहला रेंटल पीरियड, फिर उसके बाद दूसरा रेंटल, फिर तीसरा रेंटल पीरियड, सबसिक्वेंट रेंटल पीरियड। ईच रेंटल पीरियड के ऊपर जो है मैं कस्टमर को बताऊंगा कि भाई मेरा नेक्स्ट रेंटल जो है वो इतने अमाउंट का हो, और वो पहले दिन से ये कमिट करता है कि आपके रेंटल अरेंजमेंट जो है उससे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अगर उसने आपको, आपने उसको शेड्यूल भेजा या आपने उसको SMS भेजा या आपने उसको जिस जरिए से भी इन्फॉर्म किया कि नेक्स्ट रेंटल आपका एक उसके पहले रेंटल के एक्सपायरी के ऊपर आपका नेक्स्ट रेंटल जो है ना इतना अमाउंट होगा, तो वो उसके हिसाब से पे करेगा। अगर उसको नहीं करना तो आई ठीक है, वेल एंड गुड, एंड आपको जो है जितना रेंटल जितने प्राइस है और जिस कीमत पे आप बेचना चाहते हैं उसको सेल कर दें। ऐसी सूरत में फिर वो अपना परचेस अंडरटेकिंग जो है वो एक्सरसाइज करें, वो आगे जाके हम उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, तो जब मैं रेंट वसूल करूंगा तो उसके लिए जो है ना मैं क्या करूंगा कि मैं उसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा। एक कंपोनेंट होगा मेरा फिक्स रेंटल, फिक्स रेंटल वो अमाउंट होगा जो कि मैं उठाऊंगा जितने का मैंने एसेट खरीदा था उसको सेट ऑफ करूंगा उस अमाउंट से, ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स रेंटल। उसके बाद आपका वेरिएबल रेंटल होगा, वेरिएबल रेंटल वो पोर्शन आपका होगा कि जिसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट जो है वो बनाना है। अच्छा, अब ये पैसे जो आपके पास हैं इसका कोई कॉस्ट ऑफ फंड है, ठीक है, इसका कोई कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट आपके उसके लिए फिर आप अपने आइबर को देखेंगे, आप काइबर को देखेंगे, साइबर को देखेंगे, जो भी वो होगा। आजकल तो और भी जो सैफर वगैरह जो है दूसरी चीजें आ गई हैं, सोफर वगैरह जो है वो आ गई, तो वो उसके मुताबिक जो है अपने रेंट को आप एडजस्ट करें। उस रेंट वेरिएबल रेंटल के अंदर फिर दो पोर्शन होंगे, एक पोर्शन होगा फिक्स पोर्शन, ठीक है, जो कि आपका स्प्रेड है, ठीक है, जिसको जो आप अपना प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो आपका आइबर है, 3 मंथ का आइबर लगाते हैं, 6 मंथ का, 6 मंथ का लगाते हैं, 1 ईयर का लगाते हैं, जो भी आपको क्रेडिट पॉलिसी है उसके मुताबिक आप लगाते हैं। तीसरा सेक्शन उसका आता है और वो होता है सप्लीमेंट्री रेंटल, रेंटल का तीसरा कंपोनेंट जो है वो सप्लीमेंट्री रेंटल। अच्छा, बीइंग ए इस्लामिक बैंक, अगर आप एक एसेट उठाते हैं उसको लीज पे देते हैं तो उस एसेट के जो मेजर मेंटेनेंस है उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि वो आपका एसेट है, वो कस्टमर का एसेट नहीं है, ठीक है, तो उस मेंटेनेंस के लिए आपको पैसों की तो जरूरत है। इसके साथ साथ जो है चूंकि वो एसेट आपका है इसलिए आपको जो है ना उसके इंश्योरेंस का भी बंदोबस्त करना होगा, उसके तकाफुल का भी बंदोबस्त करना होगा। इन दोनों सूरतों में जो है आपको कॉस्ट की जरूरत होगी। तो अयूफी ये कहता है कि अगर आप अपने जो रेंटल है उसके कंपोनेंट्स में कोई कंपोनेंट आप ऐसे बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर आप अपने मुख्तलिफ किस्म के कॉस्ट कवर करना चाहें तो इसकी आपको परमिशन है। अच्छा, अब दो ही तरीके हैं, या तो जो है ये दोनों चीजें जो है ना आप खुद करें, कस्टमर से कुछ भी एक धेला भी ना लें, ठीक है, या फिर जो है कस्टमर को अपना सर्विस एजेंट जो है बनाए और से कहें कि आपने जो भी मेरे एसेट के अंदर मेजर मेंटेनेंस होगी या जो भी मेंटेनेंस होगी वो जो है वो आप करेंगे, बीइंग मेरे एजेंट, सर्विस एजेंट, ठीक है, इसके अलावा जो इसकी इंश्योरेंस होगी वो भी आप जो है ना पे करेंगे मेरे बिहाफ पे, ठीक है, वो बोलेगा मैं पैसे किधर से आए, ठीक है, आप उसे कहेंगे ठीक है वो सप्लीमेंट्री रेंटल अमाउंट जो है जो कि इतने का है वो पैसे आप मुझे मत दो, ठीक है, वो पैसे जो है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप उस पैसे में से जो है इंश्योरेंस भी पे करो, आप उस पैसे में से मेजर मेंटेनेंस भी इफ एनी हो तो वो कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरीके ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सप्लीमेंट्री रेंटल उसे उठाएं, फिर उसके बाद जो है ना खुद जो है उससे आगे जाके इंश्योरेंस भी करें और अगर कोई मेंटेनेंस हो वो मेंटेनेंस भी करें। अच्छा, ये सर्विस एजेंसी एग्रीमेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है एक चीज होती है, एक
एक कस्टमर है जो कि आपके साथ 20 साल जो है वो पेमेंट करता रहता है, क्या उसको इस चीज की श्योरिटी की जरूरत नहीं है कि 20 साल के बाद जो है ये एसेट जो है मेरे पास वापस आए? सिर्फ एक इजारा मुंतहिये विद तमलीक एग्रीमेंट साइन करने के साथ जो है उसको श्योरिटी हासिल होगी? वो कुछ टेंजिबल किस्म की चीज आपसे मांगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज मांगेंगे आपसे कि भाई मुझे कोई श्योरिटी तो दो कि मैं इतना सारा पेमेंट करूं उसके बाद आपने मुझे ये ट्रांसफर करना। ऐसी सूरत में आप बैंक उसको, इंस्टीट्यूशन उसको एक सेल अंडरटेकिंग देता है कि अगर आपने तमाम रेंटल जो है वक्त पे जमा की, तमाम के तमाम जो है वो रेंटल मुझे हासिल हुए, चाहे फिक्स हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, चाहे जो भी से कंपोनेंट हो, वो आपने सारे पे किए, तो मैं जो है इसको आपको किसी भी नॉमिनल प्राइस पे इस एसेट को आपको सेल करूँ। अच्छा, ये तो हो गया सेल अंडरटेकिंग। अभी एक बैंकों के अंदर एक और चीज भी होती है जिसको परचेस अंडरटेकिंग कहते हैं, ठीक है? अच्छा, परचेस अंडरटेकिंग जो है सेल अंडरटेकिंग देता है बैंक, यूनिलेटरल अंडरटेकिंग में बायलेटरल तो हो नहीं सकती, ठीक है? और परचेस अंडरटेकिंग देता है कस्टम कि मैं आपसे एसेट परचेस करूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं सेल अंडरटेकिंग दे रहा हूँ और आप मुझे परचेस अंडरटेकिंग दे रहे हो, भले यूनिलेटरल हो लेकिन कमिटमेंट तो दोनों जानब से हो रही है ना, कमिटमेंट तो दोनों जानब से हो रही है। अगर दोनों जानब से कमिटमेंट हो रही तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ ढकोसला ही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है कॉन्ट्रैक्ट के पेट भरने के लिए जो है ना एक अलहदा अलहदा दो अंडरटेकिंग बना रहा हूँ। नहीं, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। सेल अंडरटेकिंग की जो कंडीशंस है वो मुख्तलिफ है, परचेस अंडरटेकिंग की जो जो कंडीशंस है वो मुख्तलिफ है। सेल अंडरटेकिंग ये कहता है कि मैं आपको तब सेल करूंगा जब आप तमाम के तमाम रेंटल पे करेंगे। परचेस अंडरटेकिंग ये कहता है कि मैं उस वक्त इसको परचेस करूंगा जब मैंने जो है अर्ली पेमेंट करनी हुई जा रहा। क्या करना, मैंने जिस वक्त जो है मैंने प्री मेच्योर सेटलमेंट करनी हो इजारा, यानी मैंने किसी और बैंक में जाना है, मैंने मेरे पास पैसे आ गए, मैं उसको सेटल ही करना चाहता हूँ कि मैं क्या हर महीने प्रॉफिट पे करता रहूँगा, मैं सेटल ही कर देता हूँ, ठीक है? तो ऐसी सूरत में, प्री मेच्योर सेटलमेंट की सूरत में, जब भी मैं प्री मेच्योर में करना चाहूँ तो मैं आपसे ये एसेट उठाऊँ। एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि उसके अंदर वो लिखता है परचेस अंडरटेकिंग के अंदर कि मैं ये जिस वक्त मैं डिफॉल्ट करूं, जिस वक्त मैं पेमेंट बंद कर दूं, तो ये एसेट मैं आपसे खरीदूं। तो बैंक क्या करता है, बैंक जिस वक्त कस्टमर डिफॉल्ट करता है उसको एक जो है ना नोटिस भेजता है, परचेस अंडरटेकिंग के साथ जो एक नोटिस होता है वो नोटिस भेजता है कि भाई आओ ये चीज खरीदो, अगर आप नहीं खरीदते हो तो हम मार्केट में इसको सेल करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ना आपके इजारा का साइकिल है। आई होप कि आप लोगों को उसकी जो मैंने सारी चीजें बता दी हो, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। जी सदाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहीम साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी खूबसूरत प्रेजेंटेशन, और बहुत इजी आसान तरीके से आप समझा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मेरा एक सवाल है अटेंडीज की तरफ से कि सेल और परचेज अंडरटेकिंग जी ये एग्जीक्यूशन हो रही है अगर, तो उस वक्त जो जो ऐसा थे, फर्स्ट करें बिल्डिंग थी या विला था, उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू है एसेट की, जी वो कंसीडर की जाएगी? मार्केट वैल्यू बढ़ गई है या अगर मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है, किस प्राइस के ऊपर सेटलमेंट होगी? दोनों, यानी सेल अंडरटेकिंग और परचेज अंडरटेकिंग जी एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो इसमें शरिया पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? असल में जो अंडरटेकिंग होती है ना, अगर कोई एग्रीमेंट है तो उसके अंदर तो मार्केट वैल्यू जो है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें हमेशा जो है जो अंडरटेकिंग होती है तो फिर उसमें आप मार्केट वैल्यू को देखते हैं। लेकिन अगर आप यूनिलैटरल सेल अंडरटेकिंग दे रहे हैं जो कि सिर्फ एक जानब से है, अगर आप उसमें ये कहते हैं कि मैं उसको किसी भी नॉमिनल प्राइस पे आपको सेल करूंगा, तो इसमें कोई कवाहत नहीं है, ठीक है? और दूसरी दूसरी तरफ जो है, अगर परचेस अंडरटेकिंग में जो है वो आपको कस्टमर आपको ये कहता है कि जिस वक्त मैं प्री मेच्योर सेटलमेंट करूंगा इजारा का, तो उस वक्त के जो 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 मेरा आउटस्टैंडिंग है उस अमाउंट से जो है मैं उसको परचेस करूंगा, तो इसमें भी कोई कवाहत नहीं है।
मतलब क्योंकि वो म्यूचुअल यूनि एग्रीमेंट है, म्यूचुअल हाँ एग्रीमेंट। क्योंकि हाँ क्योंकि ये जो है ये यूनिलेटरल अंडरटेकिंग है। और एक बंदा कहता है कि मैंने ऐसा करना है, ठीक है, वो किस तरीके से भी उसको कर सकता है उस पर। दूसरा एक और सवाल हमारे जी अटेंडीज के लिए, ये फॉर एग्जांपल 50-50% पे कर चुका है कस्टमर, 11 पे कॉस्ट प्लस रेंट, और अब अर्थक्वेक आया, उसके जो बिल्डिंग गिर गई, इस वक्त तक कस्टमर भी 50% पे कर चुका है, बैंक का 50% आउटस्टैंडिंग कॉस्ट। तो इस सिचुएशन में क्या ये सारा लॉस बैंक अब्सॉर्व करेगा या 50-50 शेयर करेगा, क्या सिचुएशन होगी? नहीं, बैंक ने तो देखें एसेट जो है वो उसके मुख्तलिफ सिचुएशन हैं। ये सेम ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भी पूछा है और इसको स्टैंडर्ड ने भी जो है एक जगह पे डिफाइन किया है। स्टैंडर्ड के बिल्कुल आखिर में जो है इसके ऊपर जो है ना बात की है, वो ये है कि सबसे पहले बात तो ये कि लॉस जो है वो बहुत कम ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के एसेट जो होते हैं वो सारे के सारे इंश्योर होते हैं, ठीक है। वो लॉस वाली बात हम एक साइड पर रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि बैंक ने जो है कस्टमर को एक कमिटमेंट दी थी कि मैं ये एसेट आखिर में आपको आपकी ओनरशिप में दूंगा, और उसके लिए कस्टमर जो है वो मार्केट से ज्यादा जो है ना रेंट पे कर रहा था, यानी वो ज्यादा जो है इजारा के रेंटल पे कर रहा था, ठीक है। अगर सिमिलर जी एसेट वो मार्केट से उठाता तो शायद जो है उसको 50,000 का पड़ता, दो कमरों का 2 बेडरूम अपार्टमेंट 50,000 दिरहम का चल रहा है, लेकिन वो बैंक जो जो पे करता है तो वो 70-80 हजार साल का पे कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जी अब एसेट जो है वो उसका यूज ऑफ रेंट खत्म हो गया, वो इस काबिल नहीं है कि उसके अंदर रहा जाए, वो खराब हो गया, तो रेंटल तो बैंक उठा रहा था उसकी यूज ऑफ रेंट के अगेंस्ट में उठा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जो है स्टैंडर्ड ये कहता है कि बैंक जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो तमाम हिसाब लगाएगा कि जितने भी जो है ना इंस्टॉलमेंट उसने, जितने भी रेंटल उसने रिकवर किए हैं, अगर उसी सिमिलर पीरियड में वो रेंट पे दिया जाता, रेंट पे लेता, तो उर्फ में जो है ना मार्केट में जो उजरतुल मिसल है वो कितना होता। फॉर एग्जाम्पल वो उसके हिसाब से बनता है 50,000 और बैंक ने उठाया 70,000, तो बैंक 20,000 जो है वो कस्टमर को वापस करेगा, इंस्टीट्यूशन 20,000 कस्टमर को वापस, क्योंकि अब वो उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो आखिर में जाके जो है ना उसको उस एसेट को कस्टमर को देगा। एसेट तो डिमोलिश हो गया, एसेट तो बर्बाद हो गया, वो तो काबिल ही नहीं रहा कि उसके अंदर रहा जाए, ठीक है। अच्छा, और बैंक अपने जो है ना वो कहाँ से पूरा करेगा, वो इंश्योरेंस के पास जाएगा कि भाई आपने इसकी इंश्योरेंस की थी, उसके पैसे पेमेंट कर। बैंक को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ वही पोर्शन जो है वो नुकसान होगा कि जिसमें जो है बैंक ने जो जो इंस्टॉलमेंट ज्यादा लिए थे वो अमाउंट वो रिफंड करेगा, ठीक है। और कस्टमर भी सफर नहीं हुआ, क्यों, कस्टमर ने तो पैसे दिए नहीं, वो तो इंस्टॉलमेंट भर रहा, ठीक है। वो अगर वो बाहर होता तो बाहर भी तो उसने रेंट देना था, तो ये सिचुएशन जो है ये स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई है। जजाकल्ला शेख, वक्त कम है, मैं तो वक्त निकाल सकता हूँ, मुझे पता है आपका वक्त मजीद कीमती है, मगर मैं कुछ सूरत। एग्जैक्टली 3 बजे जो है आप लोगों को छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी मेरी एक और कमिटमेंट है। क्योंकि शेख, अच्छा जो सवाल कुछ लोगों ने पूछे थे, भेजे थे, वो जरा कीमती हैं, तो वो भी जरा आप बता तो दीजिएगा। जो जो सवाल हैं उसमें जो ज्यादातर जो जो स्टैंडर्ड मैंने बयान की इनसे रिलेटेड थे, वो ऑलमोस्ट मैं जवाब दे चुका हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है ना उसको देखते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उधर चला जाऊं? जी शेख, क्योंकि वो तो ठीक पहले से पूछे गए हैं वो लोग, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो आंसर अगर हो जाए तो अच्छा अच्छा, ये बहरहाल ये बहुत बड़े इम्पोर्टेंट किस्म के जो है ना वो आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना आप लोग कर लेंगे, लेकिन ये जो पूल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये मैं बताना चाह रहा था
किसी भी इस्लामी बैंक के अंदर मुदारबा पूल होता है, कॉमन पूल होता है जिसमें डिपॉजिटर फंड्स होता है और शेयर होल्डर्स फंड होते हैं। ठीक है, दोनों फंड्स कोमिंगल होते हैं। कोमिंगल होने के बाद जो है ना, फिर उसको उसमें यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें दो रिलेशनशिप होते हैं, एक डिपॉजिटर्स के दरमियान में और शेयर होल्डर्स के दरमियान में, और फिर एक मुदारबा के अंदर जो है बैंक और यानी मुदारिब और रब्बुल माल के दरमियान में, तो ये दो रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है बयान कर रहा हूँ, इन चीजों को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत टाइम लेंगे। अच्छा, तो हम किस तरीके से जो है शेयर होल्डर का जो फंड पूल में लगा हुआ है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है शेयर होल्डर्स का, उसमें इक्विटी फंड्स हैं और फंड्स गारंटीड बाय शेयर होल्डर्स हैं, इन ये दोनों एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बनते हैं उसके। उससे जो है आप फंड्स नॉट यूज फॉर कॉमन पूल जो है वो मिनहा करेंगे, तो आपके पास शेयर होल्डर का नेट इन्वेस्टेड फंड आ जाएगा। और डिपॉजिटर फंड्स तो आपको पता है कि वो टर्म डिपॉजिट होंगे या फिक्स डिपॉजिट होंगे या सेविंग डिपॉजिट होंगे। ठीक है, अच्छा, अब शेयर होल्डर्स की इक्विटी में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? उसमें पेड अप कैपिटल है, स्टेट्यूटरी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। ठीक है, और जो फंड्स रिलेटेड टू कस्टमर्स हैं बट गारंटीड बाय द शेयर होल्डर्स हैं, उसमें करंट अकाउंट्स हैं, और उसमें से जो है आपके जो रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक के पास करंट अकाउंट में जो पड़े हुए हैं रिजर्व, या कैश इन हैंड है एटीएम में है, या जो लोकल और फॉरेन बैंक्स के पास जो है नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, इनको लेस करेंगे, बाकी जो पैसे हैं वो लेंगे। इम्प्लॉयज एंड ऑफ फंड एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हैं आपके पास। आपके पास अगर कोई अमानत है, डिपॉजिट्स हैं लेस देन 1 मंथ है, तो जो है वो आप उसमें, मोर देन 1 मंथ है तो आप उसको लेंगे। जो रेंटल्स आपने कलेक्ट किए हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए, वो आपके पास है 1 महीने से ज्यादा के लिए है। कैश मार्जिन्स हैं LC/Q पर, LG/Q पर, या हामिज जिदिया है, ये आपके पास 1 महीने से ज्यादा पड़े हुए हैं, या फिर अनपेड डिविडेंड्स हैं जो कि पिछले सालों के पड़े हुए हैं, वो अगर 1 महीने से ज्यादा पड़े हुए हैं तो वो भी इसके अंदर आएंगे। तो इन दोनों फंड्स को आप मिलाते हैं और फिर उसके बाद जो है यानी कि शेयर होल्डर्स की इक्विटी और शेयर कस्टमर के जो गारंटी जो बैंक के गारंटेड फंड्स हैं, ये दोनों आप मिलाते हैं, तो आप उसके बाद उसमें से फंड्स नॉट यूज फॉर दी कॉमन पूल में से को इसमें से माइनस करते हैं, तो आपके पास जो है वो नेट इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाता है। अच्छा, फंड्स नॉट यूज फॉर दी कॉमन पूल जो है वो फिक्स एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने बैंक बनाने से पहले, इंस्टीट्यूशन बनाने से पहले आपने जितने पैसे लगाए, बिल्डिंग्स के ऊपर लगाए, सिस्टम के ऊपर लगाए, वो स्टाफ के ऊपर लगाए, वो सारे के सारे। फिर उसके बाद जो है इसकी IFI जो है, जो इंस्टीट्यूशन है बैंक है, उसने जो अपने अपने सब्सिडरीज में जो है ओवरसीज ब्रांचेज में जो पैसे लगाए हैं वो भी इसमें से माइनस करेंगे। और जो है रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज हैं, और फिर एवरेज बैलेंस जो है जो उसका कर्ज बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जितने के भी हैं, अब क्रेडिट कार्ड्स है आपके पास जो है, ये TUDs हैं आपके पास जो है, आपने कस्टमर को एडवांस सैलरी वगैरह दी हुई है, तो ये सारे के सारे उसमें आते हैं, तो ये सब उससे मिनहा होंगे। अब पूल की मैनेजमेंट को जो है ना आप देखें कि उस तरीके से होगा, सॉरी मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही? जी शेख, स्क्रीन नजर आ रही है। आप नीचे की तरफ स्लाइड पे चले जाइए, उसके बाद फिर वो स्लाइड चूज कर लीजिए। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इतना पता नहीं होता ना हम लोगों के सिस्टम विस्टम का। अच्छा, तो आपके पास ये पूल, कॉमन पूल जो है जिसको मुदारबा पूल कहते हैं, उसमें मुदारबा डिपॉजिट्स होते हैं और शेयर होल्डर्स के फंड, ये दोनों मिलके जो है ना कोमिंगल होके पूल को चलाते हैं। अच्छा, अब पूल में से बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, बैंक जो है वो सर्विसेज देता है, अब जितने भी सर्विसेज होती हैं वो सबके वो जाएंगे बैंक को, वो शेयर होल्डर्स को जाएंगे, वो जो बाकी जो मुदारबा डिपॉजिट्स हैं उनको नहीं जाएंगे। इसमें सर्विस फी है, कमीशन है, चेक बुक्स के चार्जेस हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके पास रेमिटेंसीज हैं, LGs हैं, LCs हैं, इनके ऊपर जितने भी कमीशन वगैरह जो भी है, क्रेडिट साइड उसका नहीं, जो उसके जो आप सिर्फ सर्विस दे रहे हैं वो उनके जो है वो चार्जेस या फी वो सब के सब बैंक को जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास है
मुदारबा पुल में से आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है जितने भी सलम है मुदारबा मुराबहा सॉरी मुदारबा नहीं सलम है मुराबहा है मुसावमा है इस्तिसना है ये सब जो है उसमें से ये शेयरिंग उस पे है ठीक है। फिर उसके बाद है कि लीजिंग है इजारा है फॉरवर्ड इजारा है सर्विस इजारा है फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं मुदारबा है मुशारका है वकाला है ठीक है। अच्छा इन सब से आपको एक ग्रॉस इनकम निकलती है इस ग्रॉस इनकम में से जो है ग्रॉस इनकम में से आप चार्जेस लेस करते हैं। चार्जेस क्या हैं चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस हैं फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के या फिर प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल अकाउंट्स हैं या फिर जो है डिप्रिसिएशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं एसेट्स इन कॉमन पूल हैं अगर अगर तो है तो ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद आपको नेट इनकम मिलता है नेट इनकम से जो है आप प्रॉफिट इक्वलाइजेशन रिजर्व निकालते हैं। प्रॉफिट इक्वलाइजेशन रिजर्व कौन सा होता है वो रिजर्व होता है जिससे आप अपने प्रॉफिट को इक्वल करते हैं। अगर मार्केट से आपके प्रॉफिट ज्यादा है तो आप उसके जरिए से इस रिजर्व के जरिए जो है वो इक्वल करते हैं और उसको सेट असाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो है पैसे जो है नेट इनकम है वो आपके शेयर होल्डर्स और मुदारबा के डिपोजिटर्स के दरम्यान में डिस्ट्रीब्यूट होता है ठीक है। इसके बाद जो है जो पैसे आते हैं उसमें से आप मुदारिब का शेयर निकालते हैं ठीक है। मुदारिब का शेयर निकालने के बाद जो पैसे आपके पास बचते हैं ये डिपॉजिटर्स का नेट प्रॉफिट है लेकिन इसमें से भी आप जो है थोड़ी सी डंडी मारते हैं और उसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट रिस्क रिजर्व जो है वो मिन्हा करते हैं जो कि आपको ऐसे टाइम पे काम आता है जब आप प्रॉफिट कम कर चुके होते हैं या ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं बनाया होता तो उस वक्त जो है आप इन्वेस्टमेंट रिस्क रिजर्व को वो करते हैं। ये दोनों रिजर्व जो है प्रॉफिट इक्वलाइजेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट रिस्क रिजर्व आपकी बैंक की कोई भी पॉलिसी हो लेकिन इसके ऊपर जकात जो है आपको पे करनी है हर सूरत में क्योंकि ये जो रिजर्व्स हैं ये ना आप कस्टमर को पास ये देते हैं ठीक है ना और खुद जो है उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो इसलिए जो है ये लेकिन ये आपका इनकम किसी भी सूरत में नहीं होते तो इसके ऊपर आपने जकात पे करना है। अच्छा उसके बाद जो पैसे बचते हैं जो इनकम बचता है वो आप में डिपोजिटर के दरमियान में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा उसके बाद आते हैं हम एक और प्रोडक्ट है वकाला और इसको बड़े तेजी के साथ हम लेंगे। ये वकाला क्या है वकाला जो है अपने जो जो इसकी डिफिनेशंस है वो तो एग्जैक्टली मैं अब उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास लेकिन वकाला का मतलब ये है कि किसी शख्स को अपनी जगह पे अपॉइंट करना ताकि वो आपके लिए वो काम करे जो आप उससे चाहते हैं ठीक है। बैंक कस्टमर जो है वो बैंक के पास आता है बैंक को पैसे देता है और उसे अपना वकील बनाता है बहैसियत मुवक्किल उसको पैसे देता है कि मेरे ये पैसे आप इन्वेस्ट करो अपने बैंक के अंदर उससे जो है जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आप अच्छा वो प्रॉफिट मुझे देंगे। इसमें दो चीजें हैं मुदारबा के अंदर आप अपने लिए कोई चीज फिक्स नहीं कर सकते लेकिन वकाला के अंदर जो है अगर आप उजरत लेना चाहें तो आप उजरत ले सकते हैं एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि अगर आपने जो है कस्टमर को एंटिसिपेट किया मुवक्किल को एंटिसिपेट किया कि मैं तवक्को कर रहा हूँ कि मैं इतना प्रॉफिट लूँ और उसे कहा कि इससे अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो मैं उसको अपने इंसेंटिव के तौर पर रखूंगा तो ये दोनों सिर्फ जायज है। इसमें जो अहम बात है फिर वो ये है कि जिस वक्त प्रॉफिट जो है रियलाइज होता है अगर वो प्रॉफिट तो आपके एंटिसिपेटेड से कम है ठीक है एंटिसिपेटेड से ज्यादा है तो आप इंसेंटिव उठाओगे अगर वो आपके एंटिसिपेटेड के बराबर है तो आप पूरा का पूरा कस्टमर को दोगे। अगर आपके एंटिसिपेशन से वो कम है तो आप इस सूरत में कस्टमर को उसको दे सकते हो वो कम अमाउंट अगर आपने कस्टमर को ऑलरेडी बताया हो कि भाई मेरी जो है ना वकाला पूल की जो है ना परफॉर्मेंस बहुत लो जा रही है आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें अगर नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी ठीक है। अगर उसने नहीं कंटिन्यू करना चाहा तो आप पैसे निकाल लेगा अगर वो कंटिन्यू कर वो बोलेगा किसी भी सूरत में कंटिन्यू कर तो जो प्रॉफिट आएगा जो रियलाइज प्रॉफिट होगा जो एक्चुअल से कम होगा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने उसको बताया नहीं है तो फिर आपको उसको पूरे पैसे देने होंगे। ठीक है ये है। अच्छा गारंटीज वाला जो है ये इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं लेकिन इसमें जो है आपके पास क्या क्या चीजें जो है आप कर सकते हैं जमानतों में लेटर ऑफ गारंटीज है लेटर ऑफ गारंटी में सिर्फ एक चीज जो है ना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप उसके ऊपर कमीशन नहीं दे सकते।
अगर वो आप सिर्फ गारंटी है, मेयर गारंटी के ऊपर आप कमीशन नहीं ले सकते, ये स्टैंडर्ड बड़ी वजाहत के साथ कहता है, ठीक है। लेकिन आप उससे सर्विसेज चार्जेस आप उससे ले सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल सर्विस चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके जो है वो सारे के सारे कवर नहीं करेगा, ठीक। अच्छा, और तीसरी चीज जो है कन्वेंशनल डेट वगैरह के सेटलमेंट के लिए जो है या उसके गारंटी के लिए आप एलजी इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर फंड्स ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, इसकी परमिशन नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसको ब्लॉक करना है तो आप उसको सेविंग में अकाउंट में लेके जाए। सब्सक्रिप्शन गारंटी जो है आप जारी कर सकते हैं, टेंडर गारंटी आप जारी कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, ये जिसको हामिश दिया कहते हैं, और अरबून आप ले सकते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स जो है वो आप कर सकते हैं, वो भी आपको इजाजत है उसकी, लेकिन शरीय कंप्लायंट तरीके से। फिर उसके बाद चेक्स या प्रोमिसरी नोट्स जो है उसकी भी आपको इजाजत है, सब्जेक्ट टू वो आप उसके ऊपर कोई प्रोमिसरी नोट के ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह ना आता। और इस्लामिक इंश्योरेंस जो है आप ले सकते हैं, और फंड्स को जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी गारंटी भी आप ले सकते हैं। ये सारा का सारा खत्म हुआ। अच्छा, अब आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। मैं सिर्फ उसमें से एक क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी वो कर दिया है जो कि सदाकत साहब ने भी पूछा और उसका मैंने जवाब दे दिया, ये किसी की तरफ से आया था। और एक बंदे ने जो है ना बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा था कि मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ फहद भाई कि फिर मैं इसके जवाब लिख के ना वो जिन जिन पार्टीज के हैं उनको फिर मैं भेज देता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ, आप उनको आगे जाके फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन जो था, तीन चार क्वेश्चन बड़े वैलिड क्वेश्चन थे, अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है वो उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, वो बड़ा उसमें जो 5% और 30% वाला जो है ना, ये सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए रखे थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन किया था किसी बंदे ने कि क्लॉज 12(4)(1) में स्टैंडर्ड 7 हवाला में बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज का रोल क्या है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो है अगर उसको हवाला के तनाजर में हम देखेंगे तो जो ड्रावी है, जो पेई है, उसको अलमहाल अलैह कहते हैं, तो ये वो पार्टी है जो पे करती है, ठीक है। और द ड्रॉअर जो है वो ट्रांसफरर है, मुखील है, और ये वो है जो कि ओब्लाइज टू पे है, यानी उसको पेमेंट देनी है हर सूरत में। और तीसरी जो उसमें पार्टी होती है वो बेनिफिशियरी होता है जो कि रिसीवर है, मुहाल इलाही उसको वो कहते हैं, तो वो है जिसको बेनिफिट मिलना है, जिसको पैसे मिलने हैं, जिसको रिसीव करना। अच्छा, और ये क्वेश्चन था कि चाह रहा था कि वो एक्सप्लेन करें कि हवालत देन में और हवालत हक में क्या फर्क है। ये तो सिंपल उसके अंदर लिखा भी है स्टैंडर्ड के अंदर कि हवाला ऑफ डेट इज द ट्रांसफर ऑफ डेट फ्रॉम द ट्रांसफरर टू द पेयर, द ट्रांसफर ऑफ राइट ऑन द अदर हैंड इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ क्रेडिटर विद अनदर क्रेडिटर, यानी एक क्रेडिटर बाय दूसरे क्रेडिटर के साथ जो है उस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। जबकि हवालत हक के अंदर जो है क्रेडिटर नहीं एक्सचेंज होते, डेब्टर जो है वो जो है वो एक्सचेंज होते हैं, सिर्फ यही उसके अंदर फर्क है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है एक बंदे की तरफ से मुझे आया था, उसने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया कि वो सलम जो है करेंसीज में सलम वो करते हैं और किसी बैंक का भी हवाला दिया था,
तो मैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो मेरे साथ जो है वो फतवा शेयर करें कि जिसमें जो करेंसीज के अंदर जो है वो सलम किया गया हो। आमतौर पे करेंसीज में सलम तो होता है लेकिन उसके अंदर कमोडिटी इन्वॉल्व होती है, यानी कि सलम और पैरेलल सलम होता है। दोनों दोनों सलम्स के अंदर जो है अगरचे यानी मैं आपको डॉलर दे रहा हूँ लेकिन आपसे दूसरे ट्रांजेक्शन में दिरहम में कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उन दोनों के जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो कमोडिटी होते हैं। इस तरह तो पॉसिबल है लेकिन करेंसी के अंदर ही जो है सलम करना वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा। अगर आपके पास फतवा हो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो मेरे साथ शेयर करें ताकि जो है मैं उसको समझ सकूं, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर मैं भी देखता हूँ उसको कि किस तरीके से होता है। अच्छा अच्छा, ये इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। फ्यूचर और फॉरवर्ड में बेसिकली कोई ज्यादा इख्तिलाफ नहीं होता, वो सिर्फ इख्तिलाफ ये होता है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में रजिस्टर नहीं होता, ठीक है, और उसके अंदर कोई फाइनेंशियल सुपरविजन भी नहीं होती, इसलिए फॉरवर्ड जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि फ्यूचर के जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जो है वो डील होता है, रजिस्टर होता है और उसकी फाइनेंशियल सुपरविजन होती है बगैर जो है कमोडिटी मार्केट के अंदर जो, और दोनों के अंदर जो है वो ये होता है कि एक एग्रीमेंट जो है वो ऑन स्पॉट हो जाता है और उनकी जो एक्सचेंज है वो फ्यूचर में कहीं जाके होता है। यानी एग्रीमेंट तो अभी होती है लेकिन जो उसकी कमिटमेंट है वो कमिटमेंट फुलफिलिंग जो है फ्यूचर में होता है और दोनों तरफ से बायलेटरल कमिटमेंट है। ये किसी का क्वेश्चन आया था कि व्हाई अमाउंट रिटेन्ड फॉर क्रेडिट इज ज़कात, व्हाई अमाउंट रिटेन्ड फॉर क्रेडिट इज ज़कात एग्जेम्प्टेड। ये सवाल तो इस तरह के से नहीं है भाई, उसमें ये लिखा हुआ है कि गुड्स प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपोर्ट थ्रू डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स टू द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसके अंदर में जो है वो लिखा हुआ कि द अमाउंट्स रिटेन्ड फॉर द क्रेडिट आर नीदर सब्जेक्ट टू ज़कात नॉर आर दे डिडक्टेबल फ्रॉम ज़कातेबल एसेट्स सिंस दे हैव नॉट येट बिन पोजेस्ड। बड़ा बड़ा क्लियर है कि वो उसका कब्जा ही हासिल नहीं किया गया है तो वो उस पैसे के ऊपर जो है ना तो उसके लिए जरूरी ये है, शरायत जो है ज़कात की बुनियादी शरायत में से ये है कि कब्जा आपके आपको हासिल हो, जब आपको कब्जा हासिल हो तमकीन हासिल हो तो आप ज़कात पे करेंगे। मेरा हालांकि आप इसको एक मरतबा फिर से पढ़ लें स्टैंडर्ड को, अगर फिर भी समझ नहीं आई थी तो फिर फहद भाई के जरिए से, एहसन भाई के जरिए से उसको आगे लिया जा सकता है, दोबारा से बात की जा सकती है। अच्छा, और ये 543 स्टैंडर्ड 35 ज़कात में व्हाई 1/4 और 1/3 शुड बी डिडक्टेड, तो खर्च की बात हो रही है, एस्टिमेशन बाय एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, तो इसमें जो है ये तो फिक ही जुरिस्डिक्शन है, उसमें वाई वाई का तो सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। ये बात ही हो गई, और ये है इन तब्दील में सिज डिस्ट्रॉयड और इफ कंटिन्यू थी, तो ये इसका भी जवाब दिया जा चुका है, पहले ही मैंने दिया है। अच्छा, ये वो करेंसी वाला है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डिमिनिशिंग मुशायरा का जो सवाल किया गया है मुझे टू बी फ्रेंक किस सवाल की मुझे समझ नहीं आई कि ये इन इज इट अलाउड इन दिस वे बैंक्स इक्विटी शेयर इज एक्वायर्ड बाय क्लाइंट कस्टमर अदर पार्टनर एट देयर फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू। नहीं, ऐसा तो नहीं होता,
ऐसा तो नहीं हो, डिमिनिशिंग मुशारका में जो है वो जितना पोर्शन जो है वो पे कर रहा होता है गोया कि वो उतना जो है ना वो परचेज कर रहा होता है। तो मैं इस उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं बन पा रहा। अगर प्लीज अगर आप अपने क्वेश्चन की जो है ना वजाहत कर दें तो मैं मशकूर हूँ। ठीक है, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो मेरा ख्याल है आई हैव डन। मैं आप लोगों को मजीद 3-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट खेले मैं दे सकता हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। शेख, वो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी मैंने शेयर किया था। हाँ वो मैंने डाला है इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन, अच्छा उससे वो जो क्वेश्चन था ना उसका गोल्ड वाला, ये वाला क्वेश्चन जो है ये उसी से लिया गया था। ये कोई अब्दुल हमीद साहब के कोई ऐसा बड़ा सा नाम था, मैं भूल रहा हूँ नाम अभी, उनके क्वेश्चन थे वो। मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने उधर से कॉपी पेस्ट की क्योंकि वो पीडीएफ में थे। ठीक समझ गया। है सर, अब्दुल हमीद साहब जो है वो लाइन पर हैं। अब्दुल हमीद साहब अनम्यूट कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, अस्सलाम एक वरहमतुल्लाह। तो जो करंसी वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल मिजान बैंक करंसी जो है ना सलम कर रहा है, तो उसका जो फतवे की बात की आपने, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि फतवा फिर अरेंज करके आपसे शेयर करता हूँ। कि वो करते यही है कि उसमें दोनों चीजें जो है कैपिटल और जो उसकी जो डिलीवरी होती है वो दोनों करेंसी में ही करते हैं, तो उसकी जो प्रोडक्ट डिटेल है वो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसे आपने कहा कि वो तब भी आप उस पर कमेंट कर सकेंगे। दूसरा जो जी डीएम का क्वेश्चन था जिसमें आप कह रहे थे कि वो क्लैरिटी चाहिए, वो ये है कि एक बैंक जब डीएम करता है तो बैंक के बैंक से के बैंक एक एक प्रॉपर्टी है से के 70,000 की है, से ठीक के है जी। 100,000 की है, और उसमें से 70,000 बैंक ने फाइनेंस किया है, दैट्स मीन 30, 70, 30 है। तो अब बैंक का एक जो कस्टमर है, एक तो वो रेंट का पोर्शन पे कर रहा होता है, दूसरा जो 70,000 है जो बैंक ने दिया है उसको, उसके यूनिट बना दिए जाते हैं, दैट्स मीन के वो उसके यूनिट बना दिए जाते हैं और वो फिर कस्टमर पे कर रहा होता है। तो उसमें मेरा यही था कि जो बैंक ने उसको फाइनेंस किया उसकी ओरिजिनल रकम के ऊपर वो परचेज कर रहा होता है क्लाइंट, अगर वो प्राइस बढ़ जाए या कम कम हो जाए उस पर कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता, वो फेस वैल्यू जो फेस वैल्यू पे नहीं, दैट्स मीन ओरिजिनल जो बैंक की कॉस्ट है उसी के ऊपर परचेज कर रहा होता है, तो ये इस पे क्लैरिटी चाहिए। हाँ तो इसके अंदर यानी क्या शरिया इशू हो सकता है? तो शरीयत में तो ये है ना कि आप मार्केट वैल्यू पे लें, उस टाइम जो मार्केट वैल्यू है उस पे लें, आप अगर इस तरह करें तो आप बैंक के शेयर की एक तरह से गारंटी हो गई। नहीं, वो गारंटी तो नहीं देता, वो तो एक तरफा कमिटमेंट है ना। गारंटी तो तब हो जब दोनों जो है उसके लिए अंडर जो है वो यानी दोनों तरफ से बायलेटरल कमिटमेंट हो। बायलेटरल कमिटमेंट तो यहाँ पे नहीं है। ऐसी पार्टनरशिप के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि जो एक पार्टनर का शेयर अगर दूसरा पार्टनर परचेज करेगा तो वो मार्केट वैल्यू के ऊपर करेगा, और अगर वो उसकी जो है फेस वैल्यू पे करे तो ये वो कह रहे हैं कि टंटा अमाउंट होगा कि रिबा के, क्योंकि वो उसके शेयर को गारंटी कर रहा है एक तरह से, तो उस वो चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है। यानी कि आपका मतलब ये है कि जो कस्टमर ने जो रेंटल पे किए हैं, ठीक है, वो रेंटल पे करने के साथ साथ जो है वो उसमें से उतना अमाउंट जो है वो यानी उतना पोर्शन जो है वो अक्वायर कर रहा है। उस आप कह रहे हैं कि 70,000 जो उसने जो उसकी कीमत थी वो अब मार्केट कीमत वो नहीं है उसकी। जी डेफिनेटली, जी उसकी मार्केट कीमत तो लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई शरिया इशू है। ये उसमें नहीं आता कि जब जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है आपने कोई कोई चीज खरीदी है और उसमें जो है आपने एक कमिटमेंट की है। कमिटमेंट नहीं, आपने एक एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको इसको इतने के बेचूंगा, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो मार्केट वैल्यू पे उस पर डिपेंड होगा। लेकिन यहाँ पे तो वो उसने जो पेमेंट की है वो मुशारका के जुमरे में तो नहीं की है, उसने तो इजारा के रेंटल्स दिए हैं। यानी लेकिन जो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो डीएम का है, दैट्स मीन डीएम तो मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट है।
पूरा का पूरा मुशारका कम इजारा का है, जी, नहीं मुशारका कम इजारा है, इजार व इक्तना है कि अब मुशारका कम इजारा है या सिर्फ मुशारका है। नहीं वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहले तो मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर साथ जो है बैंक अपना शेयर जो है वो कस्टमर को रेंट पे भी कर देता है, दैट मीन वो उसमें हाँ रेंट पे भी हो हाँ जाता तो जो बैंक जो कस्टमर ने रेंट दिए हैं वो दिए हैं उसके जुमरे में, जो कस्टमर ने पेमेंट की है वो तो रेंट के जुमरे में की है, जो बैंक ने उसको बेचा है ठीक है वो उसने जो है कोई, यानी कि एक जैसे हम इजारा मुंतहिया बितमलीक में एक कहते हैं कि आखिर में हम आपको नॉमिनल अमाउंट से बेच रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक बेच रहा है वो उसने जो पोर्शन रेंट पे दिया है, रेंट पे लिया है उसको दे रहा है, यानी कि कोई डायरेक्ट उसके साथ कोई फेस वैल्यू नहीं बन रही उसके साथ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हम यहाँ पे खलीज में कोई डिमिनिशिंग मुशारा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज देंगे फिर माजरत के साथ तो मैं उसको रिव्यू करता हूँ जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ वो फिर भी मैं शेयर आपको कर बता सकता सकता हूँ हूँ। जी ठीक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन आंसर में मैं 12 क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये कफाला इज गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, और कफाला इज गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। आगे जो है यहाँ पे लिटिल क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जुमा अजान इन मकरूह कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ये जो है इस तरह है कि अगर जुमे के दिन जो है आप कोई चीज जो है वो जुमे के नमाज के वक्त जो है, अजान के वक्त नहीं, जुमे के खुतबे का जो टाइम होता है और उसके बाद नमाज का जो टाइम उस टाइम में सेल वगैरह करते हैं तो वो मकरूह सेल होता है। अगर ड्यूटी आपके जुमा के दिन होते फिर आप क्या करेंगे? व्हाट आर कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सीएसए फॉर नॉन बैंकिंग ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल्स? ये आप टाइप वालों से पूछे। विच शरिया स्टैंडर्ड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम? मेरे ख्याल में 48 के 48 सारे के सारे, लेकिन आप जो है मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जो है आपने पढ़ने हैं, अपने सारे के सारे पढ़ने हैं, लेकिन जिसको ज्यादा फोकस करना है वो ये है, आपने फोकस करना है स्टैंडर्ड थ्री पे, अगर कोई नोट करना चाहे तो करें। स्टैंडर्ड थ्री प्रोक्रास्टिनेशन डेटर ठीक है, और स्टैंडर्ड फाइव गारंटीज, और स्टैंडर्ड एट हवाला, स्टैंडर्ड नाइन इजारा, और स्टैंडर्ड टेन सलम, स्टैंडर्ड इलेवन इस्तिसना, स्टैंडर्ड ट्वेल्व शरीका, एंड थर्टीन मुदारबा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को भी देखिएगा ठीक है, कमर्शियल पेपर स्टैंडर्ड 16, और इन्वेस्टमेंट इन सुकूक 17, 19 लोन को भी देखिएगा, और 20 जो है ये इसका कुछ हिस्सा जो है ये कमोडिटीज का जो ऑर्गेनाइज मार्केट में है ये बहुत जरूरी है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स फाइनेंशियल पेपर जो है 21 ये बहुत जरूरी है, फिर एजेंसी को जो है अगर आप 23 को नहीं करना चाहते तो 46 को जरूर करें, 46 जो है उसको जरूर करें, वैसे एजेंसी को पढ़ जरूर लें लेकिन 46 वाला जो है ना बहुत जरूरी है। सिंडिकेशन जो है वो भी ठीक है 24, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो है, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया था कि उसमें लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं लेकिन अगर वो उनकी तसलसल में कोई यानी खलल ना हो अव्वल बात, दूसरी बात वो एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, और तीसरी बात जो है उनमें कोई शरी ममानात ना हो, जैसे कि अगर आप जो है सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ में आप हिवा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों आपस में नहीं हो सकते एक साथ ठीक है, या जो है आप जो है कर्जे कर्जे का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
और साथ में जो है ना सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी साथ में नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के मुतसादिम हैं। ठीक है, ये कंबिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये याद रखिए। आगे है मोनेटाइजेशन 30 जो है ये बहुत जरूरी है, और जका को भी देखिएगा, मॉर्गेज को भी देखिएगा 39 को, और आप कहें वकालत 46 जो है ये बहुत जरूरी है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना ये स्टैंडर्ड जो है ये जरूर देखिए जो मैंने आपको बताया। बाकी इसके अलावा भी पढ़ने सब जरूरी है, समझने सब जरूरी है, इनको ज्यादा फोकस कीजिएगा। जजाक अल्लाह शेख, आपके वर्क का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने अटेंड किया सेशन वो भी आपके शुक्रगुजार रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अब्दुल हमीद साहब से जो है वो कम्युनिकेशन करूँगा ईमेल के थ्रू, और आपको कॉपी कर लूँगा इन केस उनका जो इशू है उसका। इंशाल्लाह चलिए, इंशाल्लाह, ख्याल रखिएगा शेख, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का भी, बहुत शुक्रिया आप लोग आए, और मैं हमेशा जो है ना इस चीज के लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि लोग अपने करियर को जो है इम्प्रूव करें, और जो है अपने इल्म में और खासकर जो शरी उलूम है उसमें जो है वो हमेशा जो है उसको अपडेट रखें, उसमें जो है ना इजाफा करें। तो और दूसरी बात ये कि ये सीजा सर्टिफिकेट सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कोई आदमी ये समझे कि यार मैंने ये इसको सर्टिफिकेशन मैंने कर लिया है, मुझे बैंक में कोई अच्छी पोजीशन मिलेगी, तो ये तो है ही, ये तो दुनियावी मफाद है, ये तो वैसे ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके उखरवी मफादात इसके साथ जो है ना जो जुड़े हुए हैं वो बहुत अजीम है। आपको अगर एक चीज की समझ आती है और आप वो किसी दूसरे शख्स के पास जो है ना तो ट्रांसफर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जो है खिदमत है इंसानियत की भी और शरीयत की भी और इस्लाम की भी जो है। और फिर हमारे माली मामला जो है जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं डेली लाइफ में जिस तरीके से डिस्टर्ब हैं लोग, जिन मुश्किल का वो शिकार हैं, तो अगर ऐसे में आदमी अपने आप को अपडेट रखे और किसी को सही मशवरा दे तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इजाजत है, काफी टाइम हो गया, इंशाल्लाह फिर और कोई बात होगी तो मैं हाजिर हूँ, किसी वक्त भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ताइफ के जरिए से। बहुत शुक्रिया, व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।